हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। वॉइस प्रॉपर है? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? एक बार कंफर्म करिए, वॉइस प्रॉपर है? वॉइस प्रॉपर है? ऑडिबल एंड विजिबल? जल्दी से बताइए, जस्ट अ मिनट। वॉइस प्रॉपर है? श्रवण मौर्य, रोहन, रुबीना, पूजा सिंह, डॉक्टर शालिनी चौहान, हसीन अहमद, आशीष सिंह, अभी तो मिले थे आप लोगों से, ठीक है। चलिए आ जाइए, सभी लोग फटाफट आ जाइए, जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। और थंबनेल में आपको पता ही होगा कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं। जो 2019 का पेपर हुआ था NVS CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसी का पेपर डिस्कशन करेंगे। 100 क्वेश्चंस, ठीक है। 100 क्वेश्चन है यहाँ पे, उसी को डिस्कशन करेंगे, ठीक। तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए। आरती राजपूत, अभिषेक सिंह, रजनी त्रिपाठी, गिरीश कुमार, सुल्तान अहमद, खुशबू उमर, अनिल कुमार, ऋचा मिश्रा, ठीक है। विजिबिलिटी और वॉइस ठीक है ना? ऋचा सक्सेना, गुड इवनिंग, ठीक है। तो आइए, बाकी यहाँ पे आपको KVS बैच के बारे में पता है कि जो KVS के लिए जो बैच चलाया गया है, एक्चुअली रैंकर्स बैच के नाम से है। 3000 इसकी फ़ी है। KVS में जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, KVS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो रैंकर्स बैच ले सकते हैं। उनके लिए जिन्होंने अभी तक कोई बैच नहीं लिया है, जिन्होंने कोई बैच ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, वो उनके लिए नहीं है, ठीक है। ये उनके लिए नहीं है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑलरेडी अभी तक कोई बैच नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमसे किसी न किसी बैच में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये बैच नहीं है, ठीक। क्योंकि आपका कोर्स एक्सटेंड करवा दिया हमने एक साल के लिए। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो कल उस दिन हम लोग बात कर रहे थे उसके बारे में, द मोस्ट अवेटेड सीरीज़ जो आप लोग हमसे काफ़ी दिनों से कह रहे हैं, NCERT बायोलॉजी सीरीज़, 11th एंड 12th NCERT। काफ़ी सारे स्टूडेंट की डिमांड है कि मैम KVS एग्जामिनेशन या बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन हैं जिसको जिसके पहले एक NCERT का सीरीज़ हो जाए, ठीक है। तो ये हमने आपके सामने 75 डेज का एक कोर्स है, पूरी NCERT इसमें कवर कराएंगे फ्लो चार्ट के माध्यम से। केवल और केवल 1250 रुपीज़ की फ़ीस है, ठीक। और 12 महीने तक है, हालांकि हमें नहीं लगता कि इसको 18 महीने रखने की कोई ज़रूरत है। 12 महीने तक वैलिडिटी रहेगी, मात्र 1250 रुपये इसकी फ़ी है। और ये 20 दिसंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। 20 दिसंबर से स्टार्ट होगा। और आप लोग जो लोग हमारे साथ NCERT अभी पढ़ रहे हैं NVS के लिए, जैसे आज ही हमने क्लास लिया था, तो वो तो बस एक रिवीजन है ना। फिर भी आपको मज़ा आ रहा है, लेकिन जब इसको हम पढ़ाएंगे तो इसको पढ़ने के बाद 80% आपका TGT PGT या कोई भी टॉपिक 80% वैसे ही तैयार हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों को आइडिया है कि अब कितनी चीज़ें जो है किस वे में कराई जाए, ताकि NCERT भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए और आपके और भी एग्जामिनेशन के लिए प्रॉफिटेबल रहे, ठीक है। तो ये चीज़ आप सबके सामने हमने रिवील कर दिया है। ये 20 दिसंबर से स्टार्ट होगा ये बैच, और पूरा फ्लो चार्ट के फॉर्म में रहेगा, और पूरी NCERT की एक एक लाइन। और इसके बाद 10 मॉडल पेपर इसमें हम कराएंगे NCERT बेस्ड, टोटल NCERT बेस्ड 10 मॉडल कराएंगे, मॉडल पेपर कराएंगे, जिस क्योंकि NCERT में पूरा 10 यूनिट है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम 10 मॉडल पेपर कराएंगे और सारी यूनिट का पूरा अच्छे से जो है ना क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, ठीक। ओके, इसके बाद बात करते हैं। TP बढ़िया नाम है, चाहिए आप लोग बात क्या क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन के ऊपर, या फिर इसका एक अलग सा आपको वीडियो मिल जाएगा कि कैसे और किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है।
और ये सबके लिए है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि मैम हम इस बैच में हैं तो हम इसको ज्वाइन करें कि नहीं हम इस बैच में, ये सबके लिए है क्योंकि इसमें हर बैच में हम एनसीईआरटी के बस पॉइंट ऐड करा सकते हैं, लेकिन इस बैच में पूरी एनसीईआरटी क्लास 12th और 11th की पढ़ाएंगे तो डिटेल पढ़ाना है हमें। तो ये जो लोग भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो डेफिनेटली इसको ज्वाइन करें। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन 2019 का जो आपका हुआ था एग्जामिनेशन एनवीएस का, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। गुड इवनिंग चारू, ठीक है। और यहाँ पे आपको सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम एनसीईआरटी पढ़ाते टाइम भी हमने आपको बोला था कि एनवीएस एग्जामिनेशन इज 100% एनसीईआरटी ओरिएंटेड। हम लोग यहाँ क्वेश्चन भी करेंगे तो भी देखेंगे अभी हम लोग जो भी टॉपिक एनसीईआरटी का रिविजन कर चुके हैं बुक से हमने कराया आपको, उससे कितने सारे क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सर्व एज एन एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का एविडेंस इसमें कौन नहीं है, कंपरेटिव, बहुत सारे एविडेंसेस पढ़ाए थे इवोल्यूशन के एविडेंसेस आपको, कंपरेटिव बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, नेचुरल सेलेक्शन, फॉसिल और कंपरेटिव एनाटॉमी। फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए, वेरी गुड। इसका आंसर क्या है भाई, देखिए बायोकेमिस्ट्री, कंपरेटिव बायोकेमिस्ट्री, हम प्रोटीन्स का, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन्स का कंपैरिजन करा सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। कंपरेटिव एनाटॉमी भी हमने पढ़ाया था, फॉसिल्स भी जो है एक एविडेंस है इवोल्यूशन का, लेकिन नेचुरल सेलेक्शन एविडेंस नहीं है इवोल्यूशन का, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेरी गुड, इसका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, What is the function of Nissl's granule? Nissl granule का function क्या है? What is the function of Nissl's granules? It is the site of lipid synthesis. It is the site of myelin synthesis. It is the site of protein synthesis. It speed of nerve impulses. आप हमें बताएंगे कि Nissl's granule का इसमें function क्या है? जल्दी से बताइए। नेचुरल सेलेक्शन एविडेंस नहीं है, ये तो लिविंग मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, एविडेंस नहीं है, तथ्य नहीं है। देखिए विच और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ निसल्स ग्रेन्यूल, सबके आंसर आ रहे हैं साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, बिल्कुल सही। हमने आपको बताया था जो निसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं ये किसके किसके मॉडिफिकेशन होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मॉडिफिकेशन होते हैं। दीज आर द मॉडिफाइड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसको हम ए ग्रेन्यूलर कहते हैं क्योंकि इस पे राइबोसोम नहीं होता है, और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसको हम ग्रेन्यूलर कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए है, किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और ये लिपिड सिंथेसिस के लिए, ठीक है। हमने आपको ये भी बताया था कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका एक मॉडिफिकेशन हमें मसल के अंदर देखने को मिलता है, इस मॉडिफिकेशन को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, एंड दिस इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, एंड कैल्शियम आयन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, है ना, ठीक है, डन है यहाँ तक, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए द केमिकल रिलीज्ड इन द ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग एन एनाफाइलेक्टिक शॉक। अब आप बताइए, अभी अभी हमने कुछ दिन पहले आपको तीन चार, मतलब आप कह सकते हैं एक हफ्ते पहले इम्यूनोलॉजी पढ़ाया था, ठीक है, पूरा इम्यूनोलॉजी, तो वहाँ पे हमने आपको एलर्जी पढ़ाया था, एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ाया था, याद आ रहा है सबको। हमने कहा था जो हाइपर सेंसिटिविटी है, एलर्जी है, ये आई जी ई की वजह से होता है, ठीक। कई तरीके के हमने आपको हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी पढ़ाया था, लोकलाइज्ड, ठीक है, सिस्टमिक, उसमें हमने एक आपको एनाफाइलेक्टिक शॉक के बारे में बताया था। एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या है, सिस्टमिक एलर्जी का मतलब होल बॉडी रिस्पॉन्स होता क्या है, जबी भी कभी बहुत, आप कह लीजिए जो एलर्जन है, एलर्जी कॉज करने वाले सब्सटेंस को क्या कहते हैं, एलर्जन, अगर वो ज़्यादा पोटेंट रहा तो ज़्यादा हिस्टेमिन और सीरोटोनिन रिलीज हो जाते हैं, और ज़्यादा हिस्टेमिन रिलीज हो जाता है तो हिस्टेमिन एक वैसोडाइलेटर है, और वैसोडाइलेटर की वजह से सारी ब्लड वेसल एक बार में डायलेट हो जाती हैं,
सारी ब्लड वेसल एक बार में डायलेट हो जाती है तो ब्लड प्रेशर काफी कम हो जाता है और इससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इसको एनाफाइलेक्टिक शॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनाफाइलेक्टिक शॉक कहा जाता है। ठीक, डन है? किसी को दिक्कत यहां तक? तो किसकी वजह से होता है? हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। देखिए सब पढ़ाया है हमने आपको, आपको पेपर देख के आपका कॉन्फिडेंस सब इतना बूस्ट होगा ना कि नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं पढ़ाई गई है। और अगर कुछ एनसीईआरटी बेस्ड नहीं भी पढ़ाया गया तो वो हम आपको पढ़ा भी रहे हैं, एनसीईआरटी का रिवीजन करा भी रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल का एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने आज की ही क्लास में पढ़ा था। ठीक है, जब हम आर्थ्रोपोडा पढ़ रहे थे तो आज ही की क्लास में हमने पढ़ा था लाइम्यूलस, क्यूलेक्स, लोकस्ट और लैसिफर। बताइए, जल्दी से बताइए, एनसीईआरटी का हमने कहा था, पूरा एनसीईआरटी का है सारी चीज़ें। मतलब ये नहीं कि ये एनसीईआरटी में ही है, हाँ लेकिन एनसीईआरटी में है ये। ठीक है, वहीं से आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ लिविंग फॉसिल, फटाफट बताएंगे। वेरी गुड, लाइम्यूलस, किंग क्रैब कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं? किंग क्रैब कहते हैं। क्यूलेक्स क्या है? तो क्यूलेक्स एक मॉस्क्यूटो है। मॉस्क्यूटो हमने आपको वेक्टर में पढ़ाया था, मॉस्क्यूटो की तीन प्रजातियाँ होती हैं। एक क्या, एक जो हमने अभी आपको एनाफिलीज बताया था, ठीक है, एनाफिलीज। दूसरा क्या है? क्यूलेक्स है। तीसरा क्या है? एडीज है। मॉस्क्यूटो के सारी ही वैरायटी जो है, जितने स्पीसीज हैं सबके बारे में हमने आपको बताया। एनाफिलीज किसका? मलेरियल पैरासाइट है ये, मलेरियल। ये फाइलेरियल है ना, फाइलेरियल। और ये डेंगू और येलो फीवर है ना, येलो फीवर। डन है ना? ठीक, लोकस्टा को हमने क्या कहा था? टिड्डे। लोकस्ट क्या है? टिड्डे हैं। ग्रिगेरियस पेस्ट बताया था, ग्रिगेरियस पेस्ट। और लैसिफर, लैक इंसेक्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लाइम्यूलस हो जाएगा। डन। नेक्स्ट देखिए, द टाइप ऑफ एस्टिवेशन इन, एस्टिवेशन इन कैशिया, कैशिया गुलमोहर। याद करिए कैशिया में किस तरीके का एस्टिवेशन होता है। अच्छा, लाइम्यूलस को और क्या कहते हैं कोई बता दे? हमने पढ़ाया है आपको इसका दूसरा नाम, जो लोग देखना चाहते हैं कि आपका कितना जो है ना माइंड तेज काम कर रहा है। लाइम्यूलस को और क्या कहते हैं जरा बताइए। मैं, मेरे पास 2018 एनवीएस का है। हाँ बिल्कुल भेज देंगे, अब भेज दीजिए, हम करवा, अब हेल्पलाइन पे भेज दीजिए, करवा देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अंबर का कैश गुल, देखिए वर्षा ने बता भी दिया, हमने कहा था आपको अंबर का, जब ट्रिक बता रहे थे, अंबर का कैश गुल हो गया है ना। तो कैशिया गुलमोहर इम्ब्रिकेट, अंबर से इम्ब्रिकेट। कैशिया और गुलमोहर में किस तरीके का था? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। क्या है? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। ठीक, किंग क्रैब तो कहते ही हैं, और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं? हॉर्स शू क्रैब। वेरी गुड, रोहन ने बताया, देखिए हॉर्स शू कहा जाता है। वेरी गुड, हॉर्स शू क्रैप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, रूट नोड्यूल हैव लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन दैट फंक्शन एज। कितना अच्छा क्वेश्चन है, सोच लीजिए। रूट नोड्यूल, रूट नोड्यूल में जो लेग हीमोग्लोबिन होता है, लेग हीमोग्लोबिन, क्या इसके बारे में सारी चीज आपको पता है? सारी चीज बताया था हमने, लेग हीमोग्लोबिन जो है इसका क्या फंक्शन है, क्या करता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन स्कैवेंजर, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, फटाफट बताइए तो। वेरी गुड, ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर है। क्या है? ऑक्सीजन स्कैवेंजर है। ऑक्सीजन को, फ्री ऑक्सीजन को वहां से क्या करता है? रिमूव कर देता है। ठीक, हमने कहा था लेग हीमोग्लोबिन में दो पार्ट है, एक पार्ट ग्लोबिन है और दूसरा पार्ट हीम है। एक पार्ट ग्लोबिन है, दूसरा पार्ट हीम है। हीम जो है वो बैक्टीरिया बनाता है, हीम जो है वो बैक्टीरिया बनाता है, ग्लोबिन जो है वो होस्ट बनाता है। डन है ना? और लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को रिमूव करने का काम करता है, क्योंकि जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, दैट इज ऑक्सीजन सेंसिटिव, दैट कैन नॉट ऑपरेशनल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन रहेगा तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम वर्क नहीं कर पाएगा, इसलिए लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्कैवेंजर की तरह काम करता है और ऑक्सीजन को रिमूव करने का काम करता है। ठीक, द पॉलन ग्रेन वॉल डज नॉट हैव, पॉलन ग्रेन पढ़ाया, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन वॉल Does not have, pollen grain की wall में क्या नहीं होता? काइटीन, पेक्टीन, स्पोरोपोलेनिन, सेलुलोज। फटाफट बताएंगे, pollen grain की wall में इनमें से कौन सा जो है substance नहीं पाया जाता?
खुशबू मोनिका शर्मा जी, वेरी गुड वेरी गुड। काइटिन नहीं होता क्योंकि हमने कहा था आउटर जो वॉल है, ठीक है, हमने आपको पेक्टोसेलुलोजिक वॉल बताया था, स्पोरोपोलेनिन बताया था, तो इसमें भाई देखिए पेक्टिन भी है, स्पोरोपोलेनिन भी है और सेलुलोज भी है, काइटिन नहीं होता। स्पोरोपोलेनिन इज द मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस, ठीक है ना, मोस्ट रेजिस्टेंट या मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द होल बायोस्फीयर, डन ना, ठीक है। और हमने ये भी बताया था कि ये जो आउटर है इसमें जर्म पोर पाया जाते हैं, क्या पाया जाता है, जर्म पोर पाया जाता है। डाइकॉट में, डाइकॉट में कितने जर्म पोर, थ्री जर्म पोर्स होते हैं, थ्री जर्म पोर्स, ट्राइकॉल्पेट, ट्राइकॉल्पेट कंडीशन होता है। मोनोकॉट में, मोनोकॉट में, मोनोकॉट में जो है वन जर्म पोर होता है, मोनोकॉल्पेट कंडीशन कहलाता है, ये मोनोकॉल्पेट कंडीशन कहलाता है, डन। और ये जर्मपोर ही वो जगह है जहां से जर्म, ये पॉलन ट्यूब बाहर निकलती है, ठीक, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स आर कॉल्ड एज, यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल के यूनिसेलुलर इलोंगेशन को क्या कहते हैं। एपिडर्मल सेल के मल्टी सेलर भी इलोंगेशन होते हैं ना, तो हमने कहा था आपको कि जो एपिडर्मल सेल है, एपिडर्मल सेल, ठीक है, एपिडर्मल सेल, इसमें रूट में, रूट में यूनिसेलर इलोंगेशन होता है, यूनिसेलर इलोंगेशन होता है, और इसको रूट हेयर कहते हैं, क्या कहते हैं, रूट हेयर, तो रूट हेयर यूनिसेलर। लेकिन स्टेम में, स्टेम में मल्टी सेलर कंडीशन होता है, मल्टी सेलर, ठीक है, और इसको ट्राइकोम कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्राइकोम्स कहते हैं, डन। पेन कॉपी जैसे बार बार कहते हैं वैसे ही है ये, ऐसा मत सोचना कि यहाँ लिखना नहीं है, बस कथा सुननी है, पेन कॉपी चलते रहनी चाहिए, आपकी पेन हमेशा चलते रहनी चाहिए, फास्ट एंड फास्ट, ठीक है। तो ये आपको क्या बताना है यहाँ पे, रूट हेयर, रूट हेयर की प्रेजेंस की वजह से ही रूट की एपिडर्मिस को क्या कहा जाता है, रूट हेयर के प्रेजेंस की वजह से ही रूट की एपिडर्मिस को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, रूट हेयर के प्रेजेंस की वजह से रूट एपिडर्मिस को राइजोडर्मिस कहते हैं, क्या कहते हैं, राइजोडर्मिस कहते हैं, या फिर इपीब्लेमा कहते हैं, इपीब्लेमा कहते हैं, ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ रही है, रूट की एपिडर्मिस को क्या कहते हैं, इपीब्लेमा कहते हैं, जल्दी से बताइए। रूट एपिडर्मिस किसमें डबल लेयर्ड होता है, फटाफट बताइए, आपका आईक्यू टेस्ट भी है आज, रूट एपिडर्मिस किसमें डबल लेयर्ड होता है, और रूट हेयर किसमें पेयर्ड होते हैं, यही बता दीजिए, पेयर्ड रूट हेयर किसमें देखने को मिलता है। हाँ वेरी गुड, सरिता ने बताया, एक और नाम है इसका, पिलीफेरस लेयर, वेरी गुड, पिली, पिली का मतलब वही हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको पिलीफेरस लेयर भी कहते हैं, देखिए कितने अच्छे हैं आप लोग, ठीक है, पिलीफेरस लेयर भी कहते हैं। वर्षा ने बताया लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम एक टेरिडोफाइटा है जिसमें पेयर्ड रूट हेयर पाया जाता है, वेरी गुड, पेयर्ड रूट हेयर पाया जाता है, चलिए ये सही हो गया आपका, ये रूट हेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट्स आर प्री रिक्विसाइट फॉर द केल्विन साइकिल, इसमें से केल्विन साइकिल ऑपरेट होने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ATP NADH, कार्बन डाइऑक्साइड ADP, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ATP NADPH, कार्बन डाइऑक्साइड ADP NADH, बताइए केल्विन साइकिल होने के लिए क्या चीज़ें जरूरी हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का सी, गुड, क्वेश्चन नंबर 9 का सी बिल्कुल सही, केल्विन साइकिल, आपको पता है केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल या C3 साइकिल, ये सबको पता होना चाहिए, C3 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, और पर कार्बन डाइऑक्साइड, पर कार्बन डाइऑक्साइड हमने ये भी बताया था आपको 3 ATP और 2 NADPH की रिक्वायरमेंट होती है, कितनी, 2 C3 की बात कर रहे हैं, इसीलिए C3 साइकिल में ग्लूकोज बनाने के लिए, हमने आपको बताया था ग्लूकोज बनाने के लिए, ग्लूकोज में कितना कार्बन हो गया, 6 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, तो 6 कार्बन मतलब 18 ATP हो गया, 18 ATP और 12 NADPH। लेकिन हमने आपको कहा था C4 प्लांट में थोड़ा सा डिफरेंस है, C4 प्लांट में पर कार्बन, ये C4 की बात करें, पर कार्बन डाइऑक्साइड 5 ATP और 2 NADPH लगता है ना, तो इसीलिए C4 प्लांट में एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 कार्बन का है, तो यहाँ पे 6 30 ATP लग जाएगा, 30 ATP लग जाएगा और 12
DPH लगेगा। डन है, किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक, किसी को कोई कंफ्यूजन है? ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए, अ परमानेंट क्योर ऑफ ADA डेफिशिएंसी। जीन थेरेपी पढ़ाया था, जीन थेरेपी पढ़ाया था, ठीक है, जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी में हमने आपको एक केस बताया था ADA डेफिशिएंसी की, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। और इस एंजाइम का काम क्या है? मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, मैच्योरेशन ऑफ टी एंड बी लिम्फोसाइट। और अगर ये एंजाइम की कमी हो जाए तो टी और बी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं हो पाएंगे, तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेलुलर इम्यूनिटी दोनों की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो कंबाइंड डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसीलिए इसको स्किड कहते हैं, इस डिसीज को स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। और ये फोर ईयर ओल्ड बेबी में देखा गया था सबसे पहली बार, जिसका नाम क्या था? अशांति डिसिल्वा, अशांति डिसिल्वा, याद है ना। तो परमानेंट क्योर क्या है? जीन थेरेपी अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे किया जाए तो ये दैट विल बी द परमानेंट क्योर। अगर आप एडल्ट स्टेज में करते हैं तो पीरियोडिक जो है आपको ये ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, है ना। लेकिन आप अर्ली स्टेज में ही बोन मैरो के लेवल पे ही अगर जीन थेरेपी कर दें तो फिर ये परमानेंट क्योर होगा। तो यहाँ पे परमानेंट क्योर पूछा गया है, क्या पूछा गया है? परमानेंट क्योर पूछा गया है। वेरी गुड, ब्लू बेबी सिंड्रोम नहीं इसको कहते हैं, बेबी ब्लू बेबी सिंड्रोम नहीं कहते, प्लास्टिक बबल बॉय कहते इसको, ठीक है, बबल बॉय सिंड्रोम कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, इन अ मरीन फूड चेन, मरीन फूड चेन डायटम्स सर्व एज। आप बताइए, अभी कल ही हम लोगों ने एनसीईआरटी से क्राइसोफाइट्स पढ़ रहे थे, तो हमने एनसीईआरटी में प्रोटिस्टा पढ़ा रहे थे, तो क्राइसोफाइट्स बताया था, तो क्राइसोफाइट्स में क्या आए थे? क्राइसोफाइट्स में हमने कहा था क्या आए थे? डायटम्स एंड डेसमिड्स, डायटम्स एंड डेसमिड्स, ठीक है, डायटम्स एंड डेसमिड। डेसमिड्स को क्या कहते हैं? गोल्डन एल्गी कहते हैं। पेन कॉपी चल रही है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, ऐसा नहीं कि एकदम बहकाना है। हमने कहा था डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। देखिए आया कि नहीं वहां से क्वेश्चन, ठीक है, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, तो ये क्या है? दिस इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर, दिस इज प्राइमरी प्रोड्यूसर। पेन चल रही है लगातार? नहीं चल रही है, प्राइमरी कंज्यूमर ऐसे कैसे? पेन चल रही है? यस, वेरी गुड, डायटोमेशियस अर्थ, किसल घर, वेरी गुड, सिलिशियस सेल वॉल, फ्रस्टूल कहते हैं इसके सेल वॉल को, सोप बॉक्स की तरह होता है, ऊपरी सेल वॉल को इपिथिका कहते हैं, नीचे हाइपोथिका, सब सब एकदम अच्छे से आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए क्या है, कार्पल एंड मेटा कार्पल ऑफ द थंब। एकदम स्पेशली पढ़ाते टाइम इस पर जोर दे के बताया था थंब। अब बताओ आप अभी याद आ रहा है कौन सा जॉइंट हमने कहा था? कार्पल एंड मेटा कार्पल ऑफ थंब। अगर हमने थंब बोला तो आप बताइए एकदम ये पाइबर्ट जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट है, सॉकेट जॉइंट है कि सैडल जॉइंट है? फटाफट बताइए, हम देखना चाहते हैं कि आपको कितना याद है। नहीं मैम किसी के पेन नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, मेरे स्टूडेंट अगर हैं तो वो प्रॉक्सी नहीं करेंगे, ठीक है, कि हमें पता है, वो लिखते हैं, हमें सेंड भी करते हैं बाद में, टाइप में बिजी हैं, बहुत से होंगे, एक हाथ से लिख रहे होंगे, एक हाथ से टाइप कर रहे होंगे, जो भी है, वेरी गुड, सैडल जॉइंट। हमने कहा था भाई थंब मतलब थंब अप, मतलब खुश रहो करके, सैड हो आप, तो इस तरीके से एक एग्जांपल दिया था हमने, सैडल जॉइंट, ये कैसा है? सैडल जॉइंट। डन, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट इज लोअरिंग डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ जीन बाई यूजिंग शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ RNA, मतलब जीन के एक्सप्रेशन को रोकना भाई RNA को यूज करके, मतलब एक तरीके से RNA इंटरफेरेंस, सीधे सीधे इसका मतलब ही हो गया, इसका सीधे सीधे मतलब ही हो गया कि आप जीन के एक्सप्रेशन को रोक रहे हो, mRNA को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहे हो बाई यूजिंग अ RNA। इसको हम क्या कहते हैं? RNA इंटरफेरेंस, या न्यूक्लिक एसिड मेथिलेशन, या क्रिस्पर कहते हैं, या जीन नॉकआउट कहते हैं।
वेरी गुड, इसका आंसर क्या हो गया? आरएनए इंटरफेरेंस। अब आप हमें बताइए आरएनए इंटरफेरेंस को आरएनएआई कहते हैं या पीटीजीएस कहते हैं? पीटीजीएस कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग, या इसी को क्वेलिंग कहते हैं, ठीक है, क्वेलिंग कहते हैं, या इसी को जीन साइलेंसिंग कह देते हैं, जीन साइलेंसिंग कह देते। कितने सारे नाम बताए थे आपको? पीटीजीएस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था सी एलिगेंस में, किसमें? सीनियर हेपेटाइटिस एलिगेंस में। इसका एक केस हमने आपको पढ़ाया था, किसमें पढ़ाया था, ठीक है, बायोटेक में, मिलोडीगाइन इनकॉग्निशिया, मिलोडीगाइन इनकॉग्निशिया, इनकॉग्निशिया। ये क्या है भाई? ये एक निमेटोडा है, निमेटोडा है, ठीक है, निमेटोडा है। और ये रूट, रूट ऑफ टोबैको प्लांट का पैरासाइट, टोबैको प्लांट का पैरासाइट, मिलोडीगाइन इनकॉग्निशिया। हमने आपको निमेटोडा या एस्की हेलमिंथिस पढ़ाते टाइम कहा भी था, दिस इज द ओनली फाइलम, दिस इज द ओनली फाइलम जिसके मेंबर्स एनिमल एज वेल एज प्लांट डिजीज भी कॉज करते हैं। तो एस्की हेलमिंथिस के बहुत से मेंबर एनिमल डिजीज भी कॉज करते हैं। सम डिजीज ऑल्सो कॉज पैथोजन या डिजीज इन सम मेंबर्स ऑल्सो कॉज डिजीज इन केस ऑफ प्लांट्स, जैसे मिलोडीगाइन इनकॉग्निशिया, जैसे सी एलिगेंस, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रभानी क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसको जो एनसीईआरटी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं रिवीजन के तौर पे, उसमें हम आपको बताएंगे भी कि प्रभानी क्रांति किसकी वैरायटी है, हाइब्रिडाइज्ड वैरायटी है किसकी, प्रभानी क्रांति हाइब्रिडाइज वैरायटी है किसकी, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर का क्वेश्चन है। प्रभानी क्रांति ये ओकरा, भिंडी की वैरायटी, भिंडी, ठीक है ना, भिंडी की वैरायटी है, किसकी, भिंडी की वैरायटी। तो प्रभानी क्रांति किसकी वैरायटी है, भिंडी की वैरायटी है, इसको जानते रहिए। अभी कल की क्लास में हम इसको पढ़ाएंगे भी, कभी आपसे पूसा सवानी आगे और भी बताएंगे, पूसा सवानी पूछ दिया है ना, पूसा सवानी पूछ दिया, पूसा पूसा ए फोर पूछ दिया, तो ये भी जो है भिंडी की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है, भिंडी की वैरायटी है, पूसा सवानी पूसा ए फोर, ठीक। इसके अलावा अगर आपसे कभी पूछ दिया, जैसे लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, हिमगिरी पूछ दिया, हिमगिरी, बताइए हिमगिरी किसकी वैरायटी है, तो ये वीट की वैरायटी है, किसकी, वीट की वैरायटी है, ठीक है। अगर आपसे कभी इसकी क्या कहते हैं, पूसा पूसा शुभ्रा पूछ दिया, शुभ्रा शुभ्रा शुभ्रा, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, शुभ्रा पूछा, शुभ्रा पूछ दिया, तो ये जो है काली फ्लावर की वैरायटी है, काली फ्लावर की, ठीक है, काली फ्लावर। या अगर आपसे कभी पूछा स्वर्णिम पूछ दिया, पूछा स्वर्णिम पूछ दिया, ठीक है ना, तो ये जो है ब्रैसिका की वैरायटी, किसकी, ब्रैसिका। अभी याद करने का तरीका भी आपको बता देते हैं, याद करने का तरीका भी बता देते हैं। अगर आपसे कभी पूछा कोमल पूछ दिया, ठीक है, पूसा कोमल, तो ये काउपी की वैरायटी है, किसकी, काउपी की। अगर आपसे पूसा सदाबहार पूछ दिया, पूसा सदाबहार पूछ दिया, तो ये जो है चिली की वैरायटी है, मिर्च की वैरायटी है, ठीक है, इतना जरूर नोट कर लीजिए। पूसा सुब्रा या पूसा स्नोबॉल, पूसा स्नोबॉल, ये इतना आपको आना चाहिए, इतना आना चाहिए। बाकी कल की क्लास में इसको पढ़ाएंगे भी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक, ये यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, समझ आ रहा है, ओके, डन, नोट कर लिए क्या आप लोगों ने, बिल्कुल नोट हो गया। कैसे याद रखेंगे भाई, देखिए हिम, हिम मतलब क्या है, हिमगिरी मतलब ठंडक से रिलेटेड है ना, तो ठंडा, ठंडक की जरूरत कब होती है, जब हीट हो, हीट है ना, मतलब जब टेम्परेचर ज्यादा हो, हीट, वीट से हीट, तो वीट हीट से याद रख लेना। और उसके बाद तो अभी कभी भी मत भूलिएगा हिमगिरी किससे रिलेटेड, हिमगिरी मतलब ठंड, बर्फ, ठीक है, किससे रिलेटेड है, एक हीट से रिलेटेड, मतलब वीट हो गया। काली से, काली से याद रखिएगा, काली है ना, काली से याद रखेंगे, तो काली मतलब क्या होती भाई, काला मतलब डार्क, डार्क का अपोजिट क्या होता है, सुप्रभात कहते हैं ना, शुभ्रा, शुभ्रा, ठीक है, शुभ्रा, या स्नो, स्नो भी वाइट होता है ना, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, कॉली से, शुभ्रा या स्नोबॉल से याद रख सकते हैं। ब्रैसिका मतलब येलो,
येलो है ना, ब्रैसिका सरसो येलो है, स्वर्णिम सोना ये भी येलो है, अब आप कभी भी नहीं भूलिएगा। काऊ, काऊ मतलब गाय, गाय कैसी होती, गाय हमारी माता है ना, माता हमारी कोमल होती हैं, तो काऊ पी मतलब कोमल है ना। और चिली भाई सदाबहार है, ये मिर्च तो क्या होता है, सदाबहार है, तो पूसा चिली भी आपको याद, बताइए याद हुआ कि नहीं, याद हुआ, याद हुआ एक बार इस ट्रिक से। हाँ, बायो बूस्ट क्लासेस हिल बंट डिजीज एंड लीफ स्ट्राइप रस्ट बी कॉज, वेरी गुड, इसको आगे भी बताएंगे, अभी इसका एक क्वेश्चन है, याद हो गया। तो यहां से आप मान के चलिए कि इस टॉपिक से दो क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार, और हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे भी। हिमगिरी वीट हो गया, शुभ्रा मतलब सुप्रभात से काली, काली से याद रखेंगे, ठीक। ब्रैसिका येलो है, पूसा स्वर्णिम हो गया, काऊ कोमल गाय, पूसा कोमल, ठीक है ना, और चिली जो है पूसा सदाबहार, ठीक, डन, ओके। चलिए, तो आपको यहाँ पे समझ आ गया है परभानी क्रांति, इसके बारे में भी पढ़ाएंगे जब म्यूटेशनल म्यूटेशन पढ़ाएंगे हाइब्रिडाइजेशन, तो उसके बारे में। इन द ग्रोथ इक्वेशन, इन द ग्रोथ इक्वेशन, इन द ग्रोथ इक्वेशन एन टी इज इक्वल टू, अब बताइए जब हमने ग्रोथ इक्वेशन आपको पढ़ाया था एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई आर टी, तो हमने कहा था आर क्या है भाई, आर क्या है, वॉट इज आर, जल्दी से बताएंगे। जब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पढ़ा रहे थे तो लॉजिस्टिक कर्व और लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल कर्व पढ़ाया था, वहाँ पे हमने आपको ये इक्वेशन बताया था, आर इज द, देखें जरा, वेरी गुड, 15 श्रवण मौर्य वर्षा सिंह, नहीं, कैरिंग कैपेसिटी इज के है भाई, कैरिंग कैपेसिटी के से डिनोट करते हैं, इट इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, सीधे सीधे एनसीईआरटी की लाइन है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ठीक। चलिए आइए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी अ सेल हैव आफ्टर एस फेज ऑफ इट्स सेल साइकिल, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कि अगर किसी, हाउ मेनी क्रोमोसोम विल सेल, 2n बराबर 14 है, तो एस फेज के बाद कितना क्रोमोसोम हो जाएगा, एस फेज के बाद कितना क्रोमोसोम हो जाएगा, फटाफट आंसर करेंगे, एस सेल के बाद कितना क्रोमोसोम हो जाएगा, 14 13 28 7, जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 16, वेरी गुड, वेरी गुड, 16, अब हमने कहा था भाई क्रोमोसोम के नंबर सेम रहते हैं तब तक जब तक कि सेंट्रोमियर डबल ना हो जाए, है ना, तो अगर जीवन फेज में ऐसा क्रोमोसोम होता है एक आर्म वाला, एस फेज में, एस फेज में दो आर्म वाला क्रोमो, अगर यहीं पे आपको क्रोमेटिड पूछता तो एस और जी टू में क्रोमेटिड डबल हो जाते, लेकिन जीवन में जो है क्रोमोसोम के नंबर सेम रहते हैं, क्रोमेटिड डबल होता है, लेकिन आपसे क्रोमोसोम का नंबर पूछा है, तो अगर 2n 14 है तो S फेज के बाद भी 14 ही रहेगा, लेकिन क्रोमेटिड पूछ देता यहाँ पे तो आप कहते कितना, 28, क्रोमेटिड पूछता तब आप 28 बताते, क्रोमेटिड पूछता तब आप 28 बताते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, द प्राइमरी ऊसाइट फर्स्ट अपीयर इन द ओवरी ड्यूरिंग, अब बताइए ऊजेनेसिस का प्रोसेस है, ये ऊजेनेसिस का प्रोसेस है, हमने आपको ऊजेनेसिस पढ़ाया था, हमने कहा था ऊजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, एम्ब्रियोनिक डेवलप, जब बच्ची अपने माँ के वुम्ब में होती है 3 महीने 4 महीने की, तभी उसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही उसमें ऊजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, तो जो है इन ओवरी ड्यूरिंग कब कब बनता है, बर्थ, प्यूबर्टी, फीटल लाइफ, चाइल्डहुड, गुड, कब बनता है भाई, फीटल लाइफ के दौरान बन जाता है, फीटल लाइफ के दौरान, सारे ऊगोनिया फीटल लाइफ के दौरान ही बन जाता है, ठीक है। ऊजेनेसिस इज हाईली डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ऊजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो हाईली डिसकंटिन्यूअस होती है ना, ये जन्म से पहले मतलब स्टार्ट हो जाती है और फिर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल तक चलती रहती है, मतलब आप मेनोपॉज तक चलती रहती है ना। लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन एंड स्टरिलिटी सीन इन फीमेल विद, आप बताइए हमें फीमेल में
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो का लैक हो और स्टरलिटी हो, किस केस में? क्या डाउन सिंड्रोम? भाई ये ऑटोसोमल ट्राइजोमी है, ये ऑटोसोमल ट्राइजोमी है, ठीक। 21 क्रोमोसोम की 3 कॉपी हो जाती है, ठीक। टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, क्लाइनफेल्टर, ये एक्स एक्स वाई है, ये एक्स जीरो है। हीमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। तो आप सबको पता है कि टर्नर सिंड्रोम 44 ऑटोसोम प्लस एक्स जीरो कंडीशन, ये फीमेल में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टरलिटी देखने को मिलती है, फीमेल स्टेराइल हो जाती है, फीमेल क्या हो जाती है, स्टेराइल हो जाती है, उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं देखने को मिलता है। शिल्पी प्रसार, कैसे बता रहे हो आप? और इस फीमेल में बॉर बॉडी एब्सेंट होता है, क्या होता है, बॉर बॉडी नेगेटिव होती है फीमेल। जनरली फीमेल बॉर बॉडी पॉजिटिव और मेल बॉर बॉडी नेगेटिव होता है, लेकिन टर्नर सिंड्रोम की फीमेल बॉर बॉडी नेगेटिव होती है और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का जो मेल है वो बॉर बॉडी पॉजिटिव होता है, क्योंकि नंबर ऑफ बॉर बॉडी हमने आपको बताया था, नंबर ऑफ बॉर बॉडी जो होते हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम माइनस वन होता है ना, जितने एक्स क्रोमोजोम हो उससे एक कम जो है बॉर बॉडी होता है। ओके आगे चले, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन, एडाप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे। इवोल्यूशन ऑफ बर्ड फ्रॉम द रेप्टाइल, इवोल्यूशन ऑफ डार्विन फिंचेस, इवोल्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट या इवोल्यूशन ऑफ मैन। अडाप्टिव रेडिएशन, एडाप्टिव रेडिएशन, गुड, वेरी गुड। इवोल्यूशन ऑफ डार्विन फिंचेस, डार्विन फिंचेस अडाप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियन, अच्छा अडाप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल क्या क्या है, अडाप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल क्या क्या है, तो आपको बताया था हमने कि एक एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस, ठीक है, डार्विन फिंचेस, और दूसरा एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, है ना, ये याद रखना मार्सुपियल, ठीक। और तीसरा प्लासेंटल मैमल, तीसरा प्लासेंटल मैमल, क्लियर क्लियर बताइए, नोट किया कि नहीं आपने, नोट किया ना, तीन एग्जाम्पल। शुभम शुक्ला, डार्विन फिंचेस एकाइनोडर्मेटा एरेक्नोइडिया, ये क्या बता रहे हैं आप? अच्छा अच्छा अच्छा, हम समझ गए, चलिए नेक्स्ट है, हमें लगा कि आप एरिस्टोटल लैंटन तो नहीं समझ रहे हैं। द फैक्टर अंडरलाइंग द एक्सक्लूसिव सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट मार्सुपियल एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया इज, बताइए हमें। हमने आपको बताया था क्यों ऑस्ट्रेलिया में ही मार्सुपियल है, क्यों ऑस्ट्रेलिया में ही कंगारू है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या फिर म्यूटेशन या जेनेटिक फ्लो या जेनेटिक ड्रिफ्ट, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल क्यों, मतलब मार्सुपियल ऑस्ट्रेलिया में क्यों रह गए, इसका रीजन क्या है? वेरी गुड, आपके आंसर आ गए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अच्छा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, जल्दी बताएंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, फटाफट बताएंगे, फटाफट बताएंगे। ट्वेंटी का ए हो गया, वैगनर, वर्षा सिंह ने हमारे पूछने से पहले आंसर दे दिया है, वैगनर ने, वेरी गुड वेरी गुड। वैगनर किसी और डिस्कवरी से रिलेटेड है क्या, एंड्रयूज वैगनर किसी और डिस्कवरी से रिलेटेड है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, पूरा एकदम दिमाग में सारी चीजें होनी चाहिए, एंड्रयूज वैगनर किसी और डिस्कवरी से रिलेटेड है। वर्षा सिंह बायोजियोकेमिकल बायोजियोग्राफिकल रीम वायलेस ने दिया था, वैगनर की डिस्कवरी और बताइए तब आगे चलते हैं, एक डिस्कवरी बताइए, देखते हैं कितना आप लोगों का दिमाग चल रहा है। ऋचा मिश्रा वेरी गुड, आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल, गुड, अब मान गए आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल डिस्कवर किया था वैगनर ने, ठीक है गुड। चलिए द नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन इंसुलिन एंड प्रो इंसुलिन रेस्पेक्टिवली, नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, क्वेश्चन को देखिए और बताइए,
नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन इंसुलिन एंड प्रो इंसुलिन. पढ़ाया था हमने आपको इंसुलिन में कितना पॉलीपेप्टाइड चेन है भाई, दो, और प्रो इंसुलिन में तीन. याद है आपको प्रो इंसुलिन, अगर इंसुलिन की बात करें तो दो, प्रो इंसुलिन की बात करें तो तीन. ठीक है, इसमें ए एंड बी चेन है, इसमें ए बी सी तीनों था. सी को रिमूव कर दिया गया, ठीक है, सी को रिमूव कर दिया गया मैच्योरेशन के दौरान. ए में 21 अमाइनो एसिड, बी में 30 अमाइनो एसिड. क्वेश्चन आता है मतलब इंसुलिन एक 51 अमीनो एसिड की प्रोटीन है, इंसुलिन एक 51 अमीनो एसिड की प्रोटीन है. क्लियर है यहाँ तक सबको? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू एंड थ्री, टू एंड थ्री. चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आइए नेक्स्ट. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ, क्या है इसका यूनिट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का, किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर, ग्राम स्क्वायर इनवर्स मीटर इनवर्स, केमिक जो है किलो कैलोरी एंड किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर. ठीक, जल्दी से बताइए. जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए. वेरी गुड, वेरी गुड. आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा. ऑप्शन क्या है, डी है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंडीशन इन विच द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाई इन एडिक्वेट ब्लड सप्लाई, है ना. हार्ट मसल सडनली डैमेज बाई इन एडिक्वेट ब्लड सप्लाई. इसमें कई कंडीशन हमने आपको बताया था, एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट या हार्ट फेलियर. फटाफट बताइए. हार्ट मसल सडनली डैमेज हो जाता है बाई इन एडिक्वेट ब्लड सप्लाई. देखिए किसके आंसर हैं, तस्सु अंसारी, श्रवण, वर्षा सिंह. ठीक, वेरी गुड. हार्ट अटैक, इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन. एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, सीवियर चेस्ट पेन को कहते हैं. एंजाइना पेक्टोरिस सीवियर चेस्ट पेन को कहा जाता है. नेक्स्ट देखिए, अगर हार्ट बीट सडनली स्टॉप हो जाए उसको हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं. द बीटी टॉक्सिन जीन दैट इनकोड द टॉक्सिन अगेंस्ट कॉर्न बोरर. अब हम इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें. देखिए जो क्राई जीन है, क्राई जीन, ठीक, यहाँ पे इसको नोट करना है, दो कैटेगरी है, क्राई वन ए सी और क्राई सेकेंड ए सी, क्राई वन ए सी, क्राई सेकेंड ए सी एंड क्राई वन, क्या पूछा है आपसे, हाँ सेकेंड ए बी, जस्ट अ मिनट, एंड क्राई सेकेंड ए सी. अब बताइए ये जो क्राई वन ए सी है ना, ये किसको, किसके लिए रेजिस्टेंट है, आप कह सकते हैं कॉर्न बोरर. किसके लिए, कॉर्न बोरर, ये इंसेक्ट है. ठीक, सेकेंड ए बी, सेकेंड ए बी अगर यहाँ पे आ गया, नहीं क्राई सेकेंड ए सी है, क्राई सेकेंड ए सी होना चाहिए यहाँ पे, और क्राई वन ए सी यहाँ होगा ए बी के साथ, सेकेंड ए बी के साथ होगा. ये होगा कॉटन बलवर्म, कॉटन बलवर्म. इसको नोट करिए, हम इसको याद कराते हैं आपसे, नोट करिए याद कराते हैं, नोट करिए याद कराते हैं. ठीक है, ये इसका आंसर होगा आपका क्राई सेकेंड ए सी होना चाहिए, इसका आंसर क्राई सेकेंड ए सी होना चाहिए. देखिए एनसीईआरटी में दो चीज दिया हुआ है, एक क्राई का कौन सा जीन कॉर्न बोरर के अगेंस्ट है, कॉर्न बोरर रेजिस्टेंट, और कौन सा कॉटन बलवम. ये दो दिया है, कॉटन बलवम, कॉटन बलवम. अब देखिए कॉटन बलवम में दो एल आ रहा है, कॉटन में दो टी आ रहा है, तो इसको तुरंत, और बी आ रहा है, बी बलवम बी आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, क्राई सेकेंड ए बी कर देंगे. ठीक, बी वाला यहां रख देंगे, सेकेंड उठा देंगे यहां, बी और सेकेंड एल एल, दो एल दो टी, ऐसे आ रहा है. ठीक, और यहां पे, यहां पे क्राई वन ए सी रखेंगे, क्या रखेंगे, क्राई वन ए सी, और क्राई सेकेंड ए सी यहां रख देंगे यहां. ठीक है, यहां रख देंगे, मतलब ये आपको इस तरीके से याद करना है.
ठीक है, मतलब जो एसी फर्स्ट एसी है वो सेकंड एसी के साथ नहीं, फर्स्ट सेकंड एबी के साथ रहता है। जो फर्स्ट एसी है वो सेकंड एसी नहीं, सेकंड एबी के साथ रहता है, तो एबी के साथ फर्स्ट एसी आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ऐसे ही लगाना है। एक बार देखिए इसका, हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज, इंसेक्टिसाइडल एनसीईआरटी, अच्छा खोलिए, किसी के पास है क्या? मैम आंसर गलत नहीं होना चाहिए, एक बार एनसीईआरटी खोलिए। ए बी ए सी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है ना, एक सेकंड रुक जाइए। अच्छा हमें लग रहा है ना, एक मिनट हो जाता है कंफ्यूजन, हमें लग रहा है यहाँ पे सेकंड फर्स्ट एसी है और यहाँ एसी नहीं एबी है, एबी है। अब क्लियर है, फर्स्ट एबी है, फर्स्ट कैसे हो रहा है ये? जस्ट अ मिनट अभी, अब सही है। अब बता रहे, देखिए पहला केस है कॉर्न बोरर का, कॉर्न बोरर, और दूसरा है कॉटन बलवम। एक सेकेंड वेट करिए, कॉटन बलवम, ठीक है, कॉर्न बोरर और कॉटन बलवम। अब इसमें क्या है, जो कॉटन बलवम है वो क्राई सेकेंड एबी, ये तो एकदम फिक्स है, एंड क्राई फर्स्ट एसी है, क्राई फर्स्ट एसी है, और उसके बाद जो कॉर्न बोरर है वो क्राई फर्स्ट एबी है, क्राई फर्स्ट एबी है, ये होना चाहिए। एक बार देख लीजिए, ये होना चाहिए। अब बताइए, अब सही है, तो कॉर्न बोरर का फर्स्ट एबी होना चाहिए, फर्स्ट एबी, इसका आंसर बी सही होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी सही होगा। अब एक बार ध्यान से देखिए, एबी के दो, मतलब फर्स्ट एबी, सेकेंड एबी, फर्स्ट एसी, एसी का एक जीन है, तो जो सेकेंड एबी है कॉटन बलवम, इस पर इतना डिस्कशन हो गया कि अब ये भूलना नहीं चाहिए आप लोगों को। तो देखिए कॉटन बलवम में डबल टी डबल एल आ रहा है और बी है, तो सेकंड एबी तो याद होना चाहिए, और सेकंड एबी के साथ फर्स्ट एबी नहीं होता है, फर्स्ट एसी होता है, ठीक है, यहाँ फर्स्ट एबी होगा, कॉर्न बोरर पूछा है तो आपको फर्स्ट एबी होना चाहिए, ठीक है। अब ठीक है ना, हाँ अब ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, ये सही है, इसका आंसर बी हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, लेसिथीन इज अ टाइप ऑफ, लेसिथीन क्या है? लेसिथीन इज अ टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोलिपिड, स्फिंगोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। लेसिथीन क्या है? लेसिथीन इज अ टाइप ऑफ, लेसिथीन क्या है? ठीक है, गुड, ये एक फॉस्फोलिपिड है, वेरी गुड, क्या है? फॉस्फोलिपिड, एंड लेसिथिन इज फॉस्फोलिपिड में भी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है, क्या है? ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है, या फिर इसको फॉस्फोग्लिसराइड भी कह देते हैं, फॉस्फोग्लिसराइड भी कह देते हैं, ठीक है। और लेसिथिन इज द मोस्ट अबंडेंट लिपिड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये है कैसा? एम्फीपैथिक, बताया था आपको, एम्फीपैथिक है, एम्फीपैथिक का मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों ही ग्रुप हों या दोनों कंपाउंड हो, इसको एम्फीपैथिक कहते हैं, तो फॉस्फोलिपिड। अब हमें बताएंगे स्फिंगोलिपिड का कोई एग्जाम्पल, स्फिंगोलिपिड का एक एग्जाम्पल हमने आपको, देखिए ये सब ये एनसीईआरटी में है, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिपिड दैट इज द स्फिंगोमाइलिन, स्फिंगोमाइलिन, स्फिंगोमाइलिन क्या है? स्फिंगोलिपिड है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? माइलिन शीथ में प्रेजेंट होता है, किसमें? माइलिन शीथ में प्रेजेंट होता है, माइलिन शीथ जो है स्फिंगोलिपिड की बनी होती है। हमने कहा था कि जो माइलिन शीथ होती है, माइलिन शीथ किसकी बनी है? लिपिड की बनी होती है, और लिपिड चार्ज का इंसुलेटर होता है, लिपिड चार्ज का इंसुलेटर होता है, इसलिए चार्ज जो है एक नोड से दूसरे नोड जंप करके जाता है,
जंप करके जाता है, क्योंकि लिपिड चार्ज, जो लिपिड है ना वो चार्ज का इंसुलेटर है, और इसमें कौन सी लिपिड है, माइलिन सीट में स्फिंगोमाइलिन लिपिड होती है। और अगर चार्ज एक नोड से दूसरे नोड जंप करके जाएगा, क्योंकि इस नोड, जो नोड ऑफ रेनवियर है, यहाँ लिपिड नहीं प्रेजेंट है ना, ठीक, इस कंडक्शन को साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं, साल्टेटरी कंडक्शन। तो जो न्यूरॉन माइलिनेटेड होता है उसमें फास्ट कंडक्शन होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लिपिड, साल्टेटरी कंडक्शन होता है। जो नर्व नॉन माइलिनेटेड होते हैं उसमें स्लो कंडक्शन होता है। जी आई सी प्री में, जो इस बार से पहले वाला जी आई सी प्री का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कैट और माइस करके दो के न्यूरॉन को कंपेयर करके क्वेश्चन दिया था, ठीक है। कैट और माइस के दो उनके न्यूरॉन को कंपेयर करके क्वेश्चन दिया था, उसमें कैट में दिया था इतने परसेंट, कैट में क्वेश्चन आया था कि कैट में 60% जो है माइलिनेटेड न्यूरॉन है, या 70% माइलिनेटेड न्यूरॉन है और 30% नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है, ठीक। और माइस में दे दिया था कि केवल 40% माइलिनेटेड न्यूरॉन है, 60% नॉन माइलिन। बताइए नर्व कंडक्शन किस में फास्ट होगा, तो आपका आंसर आएगा कैट में, ठीक है। तो आपको एकदम अच्छे से समझना होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, एंजाइम्स आर मेजरली क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी क्लासेस। एंजाइम को कितने क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, 8, 5, 6, 4, 8, 5, 6, 4, 4। बताइए जल्दी से, तो आगे सबके आंसर आगे। वेरी गुड, 6 क्लासेस में आपको ओथलील से बताया था, ओथलील से बताया था, याद आ रहा है ना। अब आप बताएंगे ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेजेस, लाइजेस, आइसोमरेजेस, लाइगेजेस, है ना। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइजेस, लाइजेस, आइसोमरेजेस, लाइगेजेस, ठीक, क्लियर। और हमने कहा था हाइड्रोलेजेस सबसे लार्जेस्ट क्लास है, ये भी याद रखना, सबसे लार्जेस्ट क्लास हाइड्रोलेजेस है। क्लियर, डन, आगे चलें। ये वाला एल लाइज है, ये वाला एल लाइज है, और ये वाला एल लाइगेज है, ठीक है। और इस लाइगेज को एक दूसरा नाम देते हैं सिंथेटेज। अगर लाइगेज ना देके छठवां क्लास पूछ दिया तो सिंथेटेज आना चाहिए। अगर ऑक्सीडो रिडक्टेज ना देके, ऑक्सीडो रिडक्टेज ना देके डिहाइड्रोजिनेज दे दिया तो पहला क्लास है। ऑक्सीडो रिडक्टेज को डिहाइड्रोजिनेजेस भी कहा जाता है, लाइगेजेस को सिंथेटेजेस भी कहा जाता है। डन, डन ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसटीडी कॉज्ड बाय एचपीवी। कल की क्लास में इसको एनसीईआरटी से भी कवर कराएंगे। एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, पेपिलोमा वायरस से कौन सा एसटीडी होता है। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, या फिर इसी को वीडी भी कहा जाता है, वेनेरल डिजीज। वेनेरल डिजीज कभी आ गया भाई, वेनेरल डिजीज तो डरना नहीं, ये एसटीडी है। या इसी को आरटीआई कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। डन, डन। अब बताइए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से क्या कॉज होता है। बिल्कुल सही, जेनाइटल वार्ट, जेनाइटल वार्ट। ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए आइए नेक्स्ट, The factor that does not favor decomposition. आपको आ रहा है, हमने कहा था decomposition के लिए क्या क्या condition होनी चाहिए। Highly aerobic condition है ये, highly aerobic condition है। जो substance होना चाहिए वो nitrogenous rich substance होना चाहिए, ठीक है। Temperature ज़्यादा होना चाहिए, और जो है soil, moist soil होने चाहिए। ये सब क्या है, ये सब decomposition को favor करेंगे। लेकिन अगर temperature low है, anaerobic condition है, और जो जिस मैटर का डिकम्पोजिशन होना है वो लिग्निन और काइटिन रिच है, तो डिकम्पोजिशन फेवर नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसमें से कौन सी कंडीशन डिकम्पोजिशन को फेवर नहीं करती है, लिग्निन एंड काइटिन रिच डेट्राइटस। डेट्राइटस इज द रॉ मटेरियल फॉर द डिकम्पोजिशन।
डेट्राइटस क्या है? डेट्राइटस इज द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन. अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन के लिए रॉ मटेरियल क्या है, तो डेट्राइटस. सड़ी गली प्लांट एनिमल पार्ट को डेट्राइटस कहा जाता है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखिए. द सिंबल सी एंड के इन अ फ्लोरल फार्मूला रेस्पेक्टिवली डिनोट. बताइए फ्लोरल फार्मूला में सिंबल सी किसको डिनोट करता है और के किसको? ये तो सबको आ रहा होगा, सी करोला को और के कैलिक्स को. सी करोला को और के कैलिक्स को. करोला की जो यूनिट है वो क्या है? पेटल है. कैलिक्स की यूनिट क्या है? सेपल है. डन. आइए नेक्स्ट देखिए. जाइगोमेटिक बोन. वेरी गुड वेरी गुड. हमेशा जब भी पढ़ाया हमने कहा इसको एकदम याद रखना है. ये क्वेश्चन आपके जीआईसी प्री में, इस बार जीआईसी प्री में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था. जाइगोमेटिक बोन याद आ रहा है? फेस बोन, फेशियल बोन. हमने आपको कितने बोन बताए थे? फेशियल बोन 14 फेशियल बोन थे. उसमें मोस्ट प्रोमिनेंट बोन, सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट बोन फेस की क्या है? मोस्ट प्रोमिनेंट बोन दैट इज चीक बोन. चीक बोन जिसको हम जाइगोमेटिक कहते हैं. क्या कहते हैं? जाइगोमेटिक. जाइगोमेटिक टर्म, जो जाइगोमेटिक टर्म है बताइए कहाँ और आता है? जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक टर्म एक जगह और आता है. कहाँ आता है? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे. इसका आंसर तो चीक बोन हो गया. क्या हो गया? चीक बोन. आप हमें बताइए जाइगोमेटिक टर्म और कहाँ आता है? जाइगोमेटिक टर्म और कहाँ आता है? जल्दी बताइए. तसु अंसारी ने बताया जाइगोमेटिक एक सलीवरी ग्लैंड है. गुड. ये एक तरीके की क्या है? सलीवरी ग्लैंड भी है. भाई सुनिए, हमने मैन में 3 ग्लैंड बताया था. सलीवरी ग्लैंड मैन में 3 सलीवरी ग्लैंड थे. ठीक, वो तीनों तो याद होगा ना. फिर कहा था जो हर्बी वोर है, हर्बी वोर उसमें चौथा भी होता है, जो फोर्थ है वही जाइगोमेटिक. क्या है? जाइगोमेटिक है. जो कार्निवोर है, कार्निवोर है उसमें पांचवा फिफ्थ पेयर है, और जो पांचवा है वो मोलर है या इंफ्राऑर्बिटल है, मोलर ग्लैंड. ठीक है ना? ठीक, डन. वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए. इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टिटेनस. ये सब क्वेश्चन तो एकदम दौड़ के आना चाहिए आपको. इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टिटेनस, टिटेनस के अगेंस्ट जो इम्यूनाइजेशन होता है वो किस तरीके, किसको यूज करते हैं? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन. भूख लगी है हमें, थोड़ा सा कुछ खा रहे हैं. लिए जल्दी जल्दी से बताइए. टिटेनस के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन तैयार किया जाता है वो किस तरीके का वैक्सीनेशन है? इनएक्टिवेटेड की, टॉक्साइड की, लाइव एटेन्यूएटेड की, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन. वेरी गुड. क्या है? टॉक्साइड वैक्सीन. वेरी गुड. टॉक्साइड वैक्सीन के बारे में आपको बताया था हमने. ये किस तरीके का इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? आर्टिफिशियल, मतलब पैसिव की एक्टिव, पैसिव की एक्टिव वैक्सीन अगर है, वैक्सीन है तो आप क्या कहेंगे? इम्यूनाइजेशन एक जो है एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट हो गया. लगातार क्लासेस ले रहे हैं ना इस वजह से. तो आपको ये समझ आ गया कि जो टिटेनस का वैक्सीनेशन होता है उसमें टॉक्साइड वैक्सीन उसको यूज किया जाता है. बाकी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का एक एग्जांपल बताएंगे क्या?
रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का एग्जांपल बताएंगे जल्दी से, ये क्वेश्चन आएगा। मेरा जो मेरी बात है उसको सुन लीजिए, हेपेटाइटिस बी, क्योंकि ये एनसीईआरटी में एकदम इम्यूनोलॉजी में लेफ्ट पेज में सबसे नीचे दिया हुआ है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, हेपेटाइटिस, ये आपके बायोटेक वाले पोर्शन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में दिया है, नहीं बायोटेक्नोलॉजी वाले में है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का टाइप है, ठीक है, पढ़ाया था हमने। चलिए नेक्स्ट आइए, देखिए द जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी क्रिस्पर, क्रिस्पर एक्चुअली एक टेक्निक है जीन एडिटिंग की। अब ये पूछ लिया भूले भटके, हमने इसको पढ़ाया तो नहीं, लेकिन क्रिस्पर एक टेक्नोलॉजी है, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ठीक है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम, बीजीए, बीजीए किस किंगडम में आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी किस किंगडम में आता है, प्लांटी में, फंजाई में, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फटाफट बताएंगे। बीजीए किस किंगडम में आता है, जल्दी से बताइए, वेरी गुड, अभी हम लोग कल पढ़े थे ना, ये किस में आता है, मोनेरा में आता है, तो मोनेरा में हमने आपको बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया ये सब पढ़ाया था कल जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो क्योंकि प्रोटिस्टा में ऑल यूनिसेलुलर यूकेरियोट आ जाते हैं, ऑल यूनिसेलुलर यूकेरियोट आ जाते हैं, और हमने आपको यहाँ पे क्या पढ़ाया था जल्दी से बताइए, हमने आपको डेस्मिड्स पढ़ाया था, हमने डायटम्स बताया था, ठीक है, डायटम्स बताया था हमने, जो है डाइनोफ्लैजलेट्स बताया था, युगलिनॉइड, युगलिनॉइड्स और स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोअन्स, ये सभी के सभी किस में थे, प्रोटिस्टा में थे, ये सभी के सभी किस में आ गए थे, प्रोटिस्टा में। तो ये बीजीए किस में आता है भाई, मोनेरा में आता है। नेक्स्ट, फीमेल हेट्रोगैमिटी इज ऑब्जर्व इन, फीमेल हेट्रोगैमिटी मतलब फीमेल हेट्रोगैमस, दो तरीके के गैमेट कहाँ प्रोड्यूस करती है फीमेल, फीमेल दो तरीके के गैमेट कहाँ प्रोड्यूस करती, कौन सी फीमेल, बताएंगे जल्दी से बताएंगे, फीमेल दो तरीके के गैमेट कहाँ प्रोड्यूस करती है। अच्छा, जब जेनेटिक्स में हमने आपको सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा रहे थे, एक बार इसको नोट जरूर कर लेना, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था मेल हेट्रोगैमेटिक हो सकता है, क्रोमोजोमल जब पढ़ा रहे थे मेल हेट्रोगैमेटिक हो और फीमेल हेट्रोगैमेटिक हो, नोट करिए, तुरंत नोट करिए, क्वेश्चन यहीं से आना है। मेल हेट्रोगैमेटिक मतलब इसमें भी दो कंडीशन हो सकता है, एक मेल भाई एक्स मतलब मेल हेट्रोगैमेटिक का मतलब फीमेल एक्स एक्स हो और मेल एक्स वाई हो, दो तरीके के स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। दूसरा केस था फीमेल एक्स एक्स ही हो और मेल एक्स जीरो हो, एक्स जीरो मतलब अब 50% स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम जाएगा, 50% स्पर्म में कुछ नहीं जाएगा। और फीमेल हेट्रोगैमेटिक में दो कंडीशन बताया था, एक में क्या था, यहाँ पे मेल होमोगैमेटिक होगा, ठीक, तो इसमें नोट करना है, ठीक है, ऐसे ही नहीं है, यहाँ मेल हमेशा जेड जेड और फीमेल जेड डब्ल्यू थी, तो फीमेल दो तरीके के गैमेट और मेल जेड जेड और फीमेल जेड ओ थी, जेड जीरो थी। तो इस कंडीशन में हमने क्या बताया था, यहाँ पे ड्रोसोफिला एंड मैन था, ड्रोसोफिला एंड मैन थे, ठीक है, इस कंडीशन में हमने आपको ग्रॉस हॉपर एंड कॉकरोच बताया था, ग्रॉस हॉपर एंड कॉकरोच बताया था, ठीक है, तो ये तो मेल हेट्रोगैमेटिक है, ओके। इस केस में हमने बर्ड, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स बताए थे, बर्ड बताया था, रेप्टाइल्स बताया था, तो बर्ड आ गया यहाँ, और इस कंडीशन में हमने मॉथ एंड बटरफ्लाइज बताया था, मॉथ एंड बटरफ्लाइज बताया था,
मॉथ एंड बटरफ्लाइज, मेल जेड जेड, फीमेल जेड जीरो. तो आप फीमेल हेट्रो, और जो हेट्रोगेमेटिक होता है दैट इज गोइंग टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी, है ना, वो ही बेबी का सेक्स डिटरमाइन करेगा, क्योंकि उसके पास दो तरीके के गैमेट है, और अपोजिट सेक्स जो अपोजिट पार्टनर है उसके पास तो एक ही तरीके का गैमेट है, है ना. तो जिसके पास दो तरीके के गैमेट होंगे वही सेक्स को डिटरमाइन करेंगे. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आपको बर्ड आ जाएगा. क्या आ जाएगा? बर्ड. ठीक, इसमें कितने लोग ड्रोसोफिला बता रहे हैं भाई, हेट्रोगैमेटिक पूछा जा रहा है. बर्ड आएगा ना, क्लियर है. चलिए नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट, द एंजाइम यूज्ड इन द आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम बैक्टीरियल सेल. आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल से डीएनए को आइसोलेट करने वाला एंजाइम क्या है बताइए. लाइसोजाइम, सेलुलेज, काइटिनेज, प्रोटीएज, फटाफट बता देंगे इसमें तो. मैम ये क्लास बाद में रहेगी? हाँ, यूट्यूब पे चल रही है तो बाद में तो रहेगी. ठीक है, वेरी गुड. आपका आंसर क्या है भाई? लाइसोजाइम जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन को डिसॉल्व करता है बैक्टीरिया की सेल वॉल. काइटिन, सेलुलेज पूछ रहा है तो प्लांट, प्लांट की सेल. काइटिनेज अगर पूछ रहा है तो फंजाई की सेल को डिसॉल्व करना हो, ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए. ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए. मैमल्स एंड बर्ड्स हैव रेस्पेक्टिवली इवॉल्व्ड फ्रॉम द रेप्टिलियन ऑर्डर. इसको भी हम आपको एनसीईआरटी से कराएंगे. मैमल और बर्ड रेप्टाइल के किस ऑर्डर से डिराइव्ड हैं? देखिए जरा आपके आंसर. मैमल और बर्ड रेप्टाइल के किस ऑर्डर से डिराइव्ड हैं? दीक्षा, दीप, सरिता, नितिका गुप्ता, कंचन मिश्रा, रोहन, बायो बूस्ट. मोनिका शर्मा, किससे? इसका आंसर क्या है? दैट इज साइनेप्सिडा एंड सौरोप्सिडा. मैमल किससे? साइनेप्सिडा से. बर्ड्स किससे? सौरोप्सिडा से. ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा. इसका आंसर ए हो जाएगा. ठीक, ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट देखिए, द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ द फॉस्फोरस. नेचुरल रिजर्वायर ऑफ द फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का नेचुरल रिजर्वायर क्या है? फॉस्फोरस का नेचुरल रिजर्वायर क्या है? जब हम आपको न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़ा रहे थे, क्या न्यूट्रिएंट साइकिल, तो हमने आपको दो तरीके का साइकिल पढ़ाया था, एक सेडिमेंट्री और एक गैसियस. ठीक है, सेडिमेंट्री और एक गैसियस, मतलब गैसियस में उसका जो मेन रिजर्वायर होता है, मेन रिजर्वायर वो एटमॉस्फियर होता है. क्या होता है? एटमॉस्फियर होता है. ठीक है, जबकि सेडिमेंट्री में इसका रिजर्वायर, इसका रिजर्वायर या तो रॉक होता है, मतलब अर्थ क्रस्ट होता है. क्या होता है? अर्थ क्रस्ट होता है. तो सेडिमेंट्री में हमने आपको क्या बताया था? एस फॉर सेडिमेंट्री, एस फॉर सल्फर, एस फॉर फॉस्फोरस, एसएसपी बताया था, एसएसपी बताया था, और यहाँ सीएनजी बताया था, सीएनजी, जी फॉर गैसियस कार्बन एंड नाइट्रोजन. लेकिन याद रखना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो ये है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो ये है, लेकिन सल्फर, सल्फर दोनों के बीच है. सल्फर गैसियस में भी आता है और सल्फर सेडिमेंट्री में भी आता है, क्योंकि गैसियस मतलब सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में तो जाता है ना. ठीक है, तो ये गैसियस में भी आता है और सेडिमेंट्री में भी आता है. तो फॉस्फोरस का आपको आ गया रॉक आ गया. क्या आ गया? रॉक आ गया. ठीक, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द मेजॉरिटी ऑफ लाइट इज ट्रैप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट. फोटोसिंथेसिस के दौरान मेजॉरिटी ऑफ लाइट किस पिगमेंट के द्वारा एब्जॉर्ब होती है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, या कैरेटिनॉइड, या जेंथो. ऑब्वियस सी बात है, जो मेन क्लोरोफिल होगा, जो मेन क्लोरोफिल होगा, या जो यूनिवर्सल होगा, ठीक है ना भाई, जो यूनिवर्सल होगा
यूनिवर्सल नेसेसरी होगा या जो फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट होगा वही तो होगा ना जो मैक्सिमम लाइट ट्रैप करेगा। सिंपल सी बात है, क्लोरोफिल ए। क्या है? क्लोरोफिल ए। चलिए नेक्स्ट देखिए, फॉर्मेशन ऑफ पाइरूवेट फ्रॉम ग्लूकोज इन ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो ग्लाइकोलिसिस होता है तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से आपको क्या बनता है? पाइरूविक एसिड। क्या बनता है? पाइरूविक एसिड। हालांकि ये पूरी प्रोसेस दो स्टेप में होती है, ये पूरी प्रोसेस दो स्टेप में होती है। ग्लाइकोलिसिस याद है सबको, क्या बताया था हमने? दो स्टेप, एक एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, इन्वेस्टमेंट, और दूसरा एनर्जी जनरेशन फेज। ठीक है ना, इसको हम प्रीपेरेटिव फेज कहते हैं, प्रीपेरेटिव फेज कहते हैं, और इसको पे ऑफ फेज कहते हैं। क्या? पे ऑफ फेज कहते हैं। ठीक, अब हमने आपको बताया था यहाँ पे एक ग्लूकोज से जिसमें छः कार्बन है, दो ग्लिसरल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट बनता है, और यहाँ पे क्या लगता है जल्दी से बताएंगे, यहाँ पे दो एटीपी यूज होता है, दो एटीपी यूज होता है इस फेज में। इस फेज में क्या बनता है? दो ग्लिसरल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट से दो पाइरूविक एसिड बनता है, और यहाँ पे नेट गेन चार एटीपी और दो एनए डी पी एन ए डी एच टू का होता है। तो इस तरीके से ग्लाइकोलिसिस में हमें नेट गेन दो यहाँ यूज हुआ है, चार मिला है, तो दो एटीपी और दो एन ए डी एच टू का होता है, है ना? आप बताओ हमें, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हम ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि आपकी पेन चलती रहे, आपको चीज़ें एकदम जो है सीक्वेंशियल मैनर में दिमाग में आता रहे। हम लिख रहे हैं, आपको भी लिखना है। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूट रहा है। आपको ये भी पता होना चाहिए, हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ाया था आपको, मेटाबॉलिज्म ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होने वाले सारे केमिकल रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, है ना? और ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग मतलब जो बस और बस लिविंग में होती है, किसी नॉन लिविंग में नहीं होती है, है ना? और ये दो तरीके का बताया था हमने आपको, एक एनाबॉलिक और एक कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में छोटे मॉलिक्यूल मिल मिल के बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, कैटाबॉलिक में बड़ा मॉलिक्यूल टूट के छोटा मॉलिक्यूल बनाता है। एनाबॉलिक को हम लोग एंडरगोनिक, ये एंडरगोनिक, इसमें एनर्जी की जरूरत होती है, एंडरगोनिक प्रोसेस, ये एक्सरगोनिक प्रोसेस, यहाँ एनर्जी रिलीज होती है, इसको सिंथेटिक प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंथेटिक या फॉर्मेशन प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि यहाँ बन रही है चीज़ें, इसको ब्रेकडाउन प्रोसेस कहते हैं, ब्रेकडाउन प्रोसेस कहते हैं, है ना? तो बताइए ये कैसी प्रोसेस है? ये प्रोसेस है, क्लियर है? फोटोसिंथेसिस एक एनाबोलिक एंडरगोनिक प्रोसेस है, याद है ना? एनाबोलिक एंडरगोनिक रिडॉक्स एंड फिजियोकेमिकल प्रोसेस, है ना? ठीक है, ये हमने आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, लैक्टेशनल एमोनोरिया इज एसोसिएटेड विद हाई सीरम लेवल ऑफ। लैक्टेशनल एमोनोरिया, लैक्टेशनल एमोनोरिया, अब ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बार बार बोल रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ाना है, और कल की क्लास में इसको फिनिश भी कर देंगे, पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा देंगे आप। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या है, जो कॉन्ट्रासेप्टल, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, इसमें कई तरीके के मेथड होते हैं। एक तो नेचुरल, नेचुरल मेथड, ठीक है, बैरियर मेथड, बैरियर मेथड, इसको कल पढ़ाएंगे क्लास में, ठीक है, फिर थोड़ा सा आइडिया दे दे रहे हैं, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, ठीक है, और आईयूडी, इंट्रा यूटराइन डिवाइस, यूट्रस में कुछ डिवाइसेस इम्प्लांट किए जाते हैं ताकि जो फर्टिलाइजेशन को रोक सके, ठीक, आईयूडी हो गया, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हो गया, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इसमें एक सहेली जिसको जो है नेशनल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI में इसको डेवलप किया गया था, ठीक है, ये भी NCERT में। और सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड में क्या करते हैं, ट्यूबेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी और वेसेक्टॉमी। फीमेल में ट्यूबेक्टॉमी होता है, फेलोपियन ट्यूब को कट करके वो टाई कर दिया जाता है, और फीमेल में, मेल में वेसेक्टॉमी होता है, वास डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया। नेचुरल मेथड में ही बहुत सारे मेथड आते हैं,
एक तो लैक्टेशनल एमोनेरिया, याद करिए हमने आपको जो है वो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी पढ़ाते टाइम भी बताया था कि जब फीमेल इंटेंस फीड करा रही होती है अपनी बेबी, अपने बेबी को 6 मंथ तक, जब उसमें मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, प्रोलैक्टिन होता है, तो हाई प्रोलैक्टिन जो होता है वो हाई प्रोलैक्टिन किसको इनहिबिट करता है, वो इनहिबिट किए रहता है GnRH को, किसको, GnRH को, और हाई प्रोलैक्टिन इज द इनहिबिटर ऑफ GnRH। प्रोलैक्टिन ज़्यादा है तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं रिलीज होगा, गोनेट्स मतलब आप कहते हैं FSH और LH नहीं रिलीज होगा, तो फिर ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे बताइए किसके लेवल ज़्यादा होता है, प्रोलैक्टिन, है ना, प्रोलैक्टिन। लेकिन ये 60% फीमेल में ही बस है, केवल 60% फीमेल के केस में ऐसा देखा गया है। इसीलिए बहुत से स्टूडेंट, हमने एक टाइप का क्वेश्चन भी आपसे लगवाया था कि कभी क्या रहता है ना कि जब लेकिन जो क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल करते हैं, इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल कराया था आपको, इससे रिलेटेड जब न्यूमेरिकल करते हैं तो हम 6 मंथ माइनस करके ही करते हैं न्यूमेरिकल, कि एक लेडी है 35 ईयर ओल्ड है, उसके 2 बेबी हैं, तो तब तक वो अपने जो है क्या कहते हैं कितने ओवा प्रोड्यूस किए, ये हम लोग करते हैं ना इस तरीके के क्वेश्चन। तो हमने आपको कहा था कि 2 बेबी में 9 मंथ की प्रेगनेंसी में 18 मंथ ऐसे निकल गया, और 6 मंथ हर मंथ में निकाल देंगे, मतलब कुल मिला के 1 प्रेगनेंसी में 15 मंथ निकाल देंगे, और 2 प्रेगनेंसी में 30 हो गया, तो 30 वहां से माइनस कर देंगे। इस तरीके से इस सवाल को लगाया जाता है। रोहन, वेरी गुड, PRL को प्रोजेस्ट्रॉन इनहिबिट किया रहता, हाँ वेरी गुड, जब तक प्रोजेस्ट्रॉन रहता है प्लेसेंटा से रिलीज होता है प्रेगनेंसी के दौरान, तब तक वो PRL को इनहिबिट किया रहता है, तब तक मिल्क जो है प्रोडक्शन नहीं होता, और जैसे ही प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी होती है प्लेसेंटा बाहर आ जाता है, प्रोजेस्ट्रॉन कम हो जाता है, तब PRL का लेवल बढ़ता है और मिल्क फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, ये भी प्रोसेस हमने आपको बताया था। तो नेचुरल मेथड में एक लैक्टेशनल एमिनेरिया है, रिदम मेथड है जब फर्टाइल पीरियड हो 10 से 17 दिन का, उस बीच क्वाइटस मतलब जो है अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज़ विड्रॉल, तीसरा विड्रॉल मेथड है, इसके बारे में हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी बैरियर मेथड, IUD, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और सर्जिकल मेथड, ये सारे कल क्लास में पढ़ाएंगे। चलिए, ये हो गया आपका आंसर। The species interaction where one species is harmed and other remain unaffected. सीधे सीधे इनके कहने का मतलब है माइनस जीरो। बताइए तो जल्दी से बताइए, आ गया आंसर, आ जाना चाहिए। एमेंसेलिज्म क्या है भाई, ये अमेंसेलिज्म है, क्या है, कमेंसेलिज्म नहीं, कार्तिके नूर, इट इज ब्लंडर, वन हार्म्ड एंड अनदर अनअफेक्टेड, कमेंसेलिज्म प्लस और जीरो का एसोसिएशन है, ठीक है, अमेंसेलिज्म, ठीक। चलिए, आपको पता है यहाँ पे हमने आपको बताया था माइनस जीरो कॉम्पिटिशन, माइनस माइनस, ठीक है, कमेंसेलिज्म प्लस जीरो, प्रेडेशन प्लस माइनस प्रेडेशन का भी है, प्लस माइनस पैरासिटिज्म का भी है, पैरासिटिज्म का ही है, पैरासाइट को प्लस होता है, होस्ट को माइनस होता है, ठीक है, प्लस माइनस जो है कैनिबलिज्म का भी है, कैनिबलिज्म का भी है ना, जो खाता है अपनी ही ओन स्पीसीज को खाने वाले को कैनिबलिक कहते हैं, प्लस और जो खाया जाता है उसको माइनस, कॉम्पटिशन में माइनस माइनस है कमेंसल, ठीक है ना। तो प्लस माइनस तीन तरीके का, देखिए प्रिडेशन में भी है, पैरासिटिज्म में भी है, कैनिबलिज्म में भी है, डन डन ना। फास्ट एंड फ्यूरियस का नाम मत लीजिए, ये मूवी हमने देखी थी और उसके बाद ही बेचारे उस हीरो की डेथ हो गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, डाईयूरेटिक्स आर मिसयूज्ड बाय एथलीट, डाईयूरेटिक्स आर मिसयूज्ड बाय एथलीट, एथलीट जो है ना वो डाईयूरेटिक्स लेते हैं। डाईयूरेटिक्स क्या होते हैं,
ऐसे सब्सटेंसेस जो यूरिन प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो यूरिन प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं उनको हम डाईयूरेटिक्स कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया था भाई, अल्कोहल एक डाईयूरेटिक है कि नहीं? अल्कोहल लेने वाले रोड किनारे लगे रहते हैं, आपको पता है। दूसरा क्या है, टी एंड कॉफ़ी है, ठीक है, और इसके बाद क्या है, कोल्ड है, ये सब डाईयूरेटिक सब्सटेंसेस है, ठीक। अब कुछ ऐसे भी डाईयूरेटिक जो आर्टिफिशियल डाईयूरेटिक्स आते हैं मार्केट में, उनको जो एथलीट हैं वो क्यों लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि एथलीट्स बहुत सारे स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, है ना, और वो चाहते हैं कि उनकी बॉडी से रेगुलरली जो है ड्रग्स बाहर निकलता रहे, इसकी वजह से वो डाईयूरेटिक्स लेते हैं, ठीक। टी कॉफ़ी के फैमिली बताना शुरू कर दिया आपने, चलिए। अच्छा, टी क्या है? थियासाइनेंसिस, है ना। कॉफ़ी क्या है? कॉफ़ी, जल्दी बताइए, रूबिएसी फैमिली। शुक्ला शिवांगी ने बहुत अच्छा एक मेरी आंखें खोल देने वाला वर्ड लिखा है, डोप टेस्ट। वेरी गुड, आई विल डेफिनेटली टीच अबाउट दिस। डोप टेस्ट के बारे में भी आपको बताएंगे, डोप टेस्ट किया जाता है एथलीट का। वेरी गुड, अचानक से याद आ गया। कॉफी अरेबिका, रूबिएसी फैमिली, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आइए, द सेल थियरी एज प्रपोज्ड बाई स्लीडन एंड स्वान लैग्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। स्लीडन स्वान ने क्या दिया था? सेल थियरी दिया था। क्या दिया था? सेल थियरी दिया था। और इसमें क्या पूछ रहे हैं कि इसमें उन्होंने उनकी पूरी थियरी में किस इन्फॉर्मेशन की कमी थी? एकदम सीधा सा सवाल है, किस इन्फॉर्मेशन की कमी थी? वेरी गुड, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये इन्होंने नहीं बताया था, ठीक है। हाउ न्यू सेल्स अरोज, है ना, ओके। इसको रुडोल्फ वर्काउ ने बताया था, रुडोल्फ वर्काउ ने बताया था, किसने? रुडोल्फ वर्काउ ने, ठीक, डन है, ओके। इसको रुडोल्फ वर्काउ ने बताया था। सेल लीनियस थियरी में मॉडिफाइड सेल थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मस्कुलर स्ट्रक्चर, देख के तुरंत आना चाहिए। पाइलोरिक वॉल्व, एपिग्लॉटिस, स्फिंक्चर ऑफ उडाई, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्चर। इसमें बताइए कि इसमें से कौन जो है वो नॉन मस्कुलर स्ट्रक्चर है, कौन इसमें से नॉन मस्कुलर स्ट्रक्चर है? पाइलोरिक वॉल्व कहाँ होता है, याद है ना, स्टमक पाइलोरस याद है, स्फिंक्चर ऑफ उडाई याद है, ठीक है, हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट का स्फिंक्चर है जो कि डियोडनम में ओपन होता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्चर याद है जिसको हम आइसोफेजियल जो आइसोफेगस और स्टमक में खुलने से पहले जो स्फिंक्चर है। अब हमें बताइए कि इसमें से कौन, गुड, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस तो एक क्या है, कार्टिलेज है, कैसा, इलास्टिक कार्टिलेज, कैसा, इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज याद आ रहा है, ई ई ई ईयर पिन्ना, एपिग्लॉटिस, यूस्टेचियन ट्यूब याद है ना, इलास्टिक, फोर ई से याद करने के बोला था, ई फोर याद कर लो, इलास्टिक, एपिग्लॉटिस, ईयर पिन्ना और यूस्टेचियन ट्यूब, डन, ठीक है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए, इन प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक विच स्पीसीज सर्व एज द पॉइनियर स्पीसीज। अच्छा हमें बताइए, आप लोगों को कैसा लग रहा है कि अगर ये पेपर आपको मिल जाए तो फोर डालेंगे ना, फोर डालेंगे, बिल्कुल ऐसा पेपर आपको आने वाले आपके एग्जामिनेशन में, किसी भी एग्जामिनेशन में आ जाए तो कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि ये पेपर तो हमें आज मिला, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा तो सब कुछ है ना, बहुत पहले का ये पेपर हमें कुछ दिन पहले मिला, लेकिन पढ़ा हम लोगों ने सब कुछ है, आपको देख के लग रहा है ना कि कैसी तैयारी है अपनी। वेरी गुड, आज ही हमने पढ़ाया कि रॉक में प्राइमरी सक्सेशन मतलब लिथोसियर की बात करें, लिथोसियर की बात करें, हमने अभी पढ़ाया आपको, लाइकेन तो है ही, लाइकेन के साथ साथ मोसेस भी हैं, मोसेस क्योंकि ग्रिगेरियस होते हैं, मोसेस झुंड में होते हैं,
इसीलिए सॉइल बाइंडर का काम करते हैं। लाइकेन पहले होता है, वो एसिड को डिजॉल्व करके, मतलब एसिड सिक्रीट करके रॉक को डिजॉल्व करता है, रॉक को डिजॉल्व कर देता है। और रॉक को डिजॉल्व करने के बाद जब मिट्टी बन जाती है तो मॉसेस वहाँ पे, सॉइल बाइंडर भाई रॉक है ना, लिथोसियर है, तो वहाँ पे मॉसेस क्या करते हैं, सॉइल बाइंडर का काम करते हैं। ठीक, सिस्टम मत फोड़ना, ठीक है, सिस्टम मत फोड़ना, नहीं तो एग्जाम से बाहर निकाल दिए जाओगे। रिसोर्स पार्टीशनिंग इज वन ऑफ द मेथड टू अवॉइड, जैसे ही आपने देखा रिसोर्स पार्टीशनिंग, किसका नाम याद आया, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। हम यहाँ पहला नाम उनका लिख रहे हैं, एम, रिसोर्स पार्टीशनिंग, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, रिसोर्स पार्टीशनिंग, ये सब हमने आपको बताया था। गॉस प्रिंसिपल, रिसोर्स पार्टीशनिंग, मैक आर्थर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, किसमें, फाइव वार्बलर बर्ड। इसके बाद ये कॉन्सेप्ट आया था जब गॉस ने क्या कहा था, गॉस ने कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था, गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था। उन्होंने कहा था, गॉस ने कहा कि टू कंप्लीट कॉम्पिटिटर कैन नॉट को एग्जिस्ट, यही बताया था ना, टू कंप्लीट कॉम्पिटिटर कैन नॉट को एग्जिस्ट, कॉम्पिटिटर कैन नॉट को एग्जिस्ट, मतलब दो कंप्लीट कॉम्पिटिटर एक साथ नहीं रह सकते। और इन्होंने अपना पैरामीशियम पे एक्सपेरिमेंट किया था, ऑरेलिया एंड कॉडेटम पे। बाद में मैक आर्थर ने कहा कि भाई कंप्लीट कॉम्पिटिटर भी एक साथ रह सकते हैं अगर वो रिसोर्सेज की पार्टीशनिंग कर दे, रिसोर्सेज का बंटवारा कर दे, कि तुमको जैसे पांच वार्बलर बर्ड का एग्जांपल उन्होंने दिया कि एक ही पेड़ पे पांच वार्बलर बर्ड रहते हैं, कोई पत्ती खाता है, कोई सीड खाता है, या उनके फोरेजिंग टाइम एंड बिहेवियर में चेंज हो गया, कोई 3 बजे खाएगा तो कोई रात को खाएगा, कोई सुबह खाएगा, इस तरीके से, है ना। तो अगर रिसोर्स की पार्टीशनिंग कर दिया, वही है ना, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए, छोटी छोटी जमीन के लिए लड़ाई हो जाती है ना, मर्डर तक हो जाता है, भाई इतनी सी जमीन है, ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, 100 साल तक वो मुकदमे चलते रहते हैं, ना उसमें कोई खेती हो रही है, ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, ऐसे बहुत केसेस देखे हम लोगों ने। लेकिन क्या करिए भाई, 100 साल से उस खेत के दाम से ज़्यादा मुकदमे में पैसा चला जाता है। हमारे गाँव के, हमारे घर के बगल में, जस्ट बगल में ऐसा है एक खेत, हम देख रहे हैं जब से हम बचपन से जानकार हुए तब से वो खेत ऐसे ही है, पूछा घर पे तो पता चला कि ऐसा ऐसा कंडीशन, लेकिन ये नहीं। और उनको लड़ने वाले कब का मर चुके हैं, फिर लड़ रहे हैं, उनके जनरेशन जनरेशन लड़ते जा रहे हैं। रिसोर्स पार्टीशनिंग नहीं कर सकते भाई, आधा तुम ले लो आधा हम, बात खत्म। तो क्या नहीं, हमारी पूर्वजों की जमीन है, हम ऐसे कैसे जाने दें, अपना घर बेच देंगे लेकिन जाने नहीं देंगे, तो ये सब कहानी है। ईगो, ठीक। तो ये रिसोर्स पार्टीशनिंग इज वन ऑफ द मेथड टू अवॉइड कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, किसको अवॉइड करने का है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का। द इको आर वन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट इट्स रिकॉग्निशन सीक्वेंस, हाँ सबके विलेज में होता है, सबके विलेज में होता है। बताइए जरा इको आर वन, आप सबको पता है इको आर वन का GAATTC, यही है ना, यही है ना, कहाँ कट करता है, ये कहाँ कट करता है, जी और ए के बीच में, जी एंड ए के बीच में। संध्या पांडे, आप ट्राइक्यूरिस एंड ट्राइकिनेला किस क्लास से बिलोंग करता है, ये एस्की हेलमिंथीज का मेंबर है और ये यूनोप्लिया क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। संध्या पांडे, एस्की हेलमिंथीज में यूनोप, ENOPLEIA, यूनोप्लिया, GAATTC, गटक, ओके। चलिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, द इंडियन बल फ्रॉग राणा टिग्रीना डज नॉट हैव, राणा टिग्रीना के पास क्या नहीं है, क्लोएका, डबल सर्कुलेशन, म्यूकस ग्लैंड, न्यूक्लिएटेड RBC, जल्दी जल्दी बताएंगे।
इंडियन बल्बफ्रॉग के पास क्या नहीं है? क्लोएका नहीं है कि डबल सर्कुलेशन नहीं है कि म्यूकस ग्लैंड नहीं है कि बताइए न्यूक्लिएटेड आरबीसी नहीं है? फटाफट आंसर करेंगे। कंचन मिश्रा बायो बूस्ट। हाँ भाई, इसमें डबल सर्कुलेशन नहीं है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। वेरी गुड, इसका बी आंसर सही होगा। क्या है? डबल सर्कुलेशन नहीं है, ठीक है, ओके, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, द कॉमन कॉज ऑफ बर्किट लिम्फोमा। ये तो तुरंत आना चाहिए, तुरंत आना चाहिए। बर्किट लिम्फोमा किससे कॉज होता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या एपस्टीन बार वायरस। अभी जल्दी ही आपको कैंसर पढ़ाते टाइम भी हमने इसको डिस्कशन किया था। बस क्या है इसमें से, आप सोचिए, ये क्वेश्चंस कितने अच्छे अच्छे हैं। इसमें कोई एचआईवी बता रहा है, बर्किट लिम्फोमा, हाउ इज इट पॉसिबल? 49D, एपस्टीन बार वायरस लिखवाया भी है हमने, ठीक है। एपस्टीन बार वायरस जो है ह्यूमन जो बर्किट लिम्फोमा का कॉज है, क्या है? बर्किट लिम्फोमा कॉज करता है एपस्टीन बार वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन इज सीन इन। मैक्सिमम मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन कहाँ देखने को मिलता? सबसे ज़्यादा बरसात, सबसे ज़्यादा बरसात। और आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, और 50 क्वेश्चन इसका कल कराएंगे, ठीक है, 50 क्वेश्चन इसका कल कराएंगे। आज बहुत क्लासेस हो गई, और अगर हम कराना चाहें तो करा देंगे, लेकिन हमें इफेक्टिवली उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो कल फिर हम लोग जो है दोपहर में सीरीज़ करेंगे एनसीईआरटी की, हमने आपको बताया है, जो एनवीएस के लिए हम प्रिपेयर करा रहे हैं बुक से, वो करेंगे, और शाम को इसको करा देंगे, तो ये ख़त्म हो जाएगा। बाकी बाद में ये भी हमने आपको कहा है कि 300-400 क्वेश्चन एनसीईआरटी के उससे करा देंगे। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, सबसे ज़्यादा बरसात ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में होता है, ठीक है। 100 क्वेश्चन की सीरीज़ है ये, मतलब इसमें 50 क्वेश्चन कल करा देंगे, ठीक, 50 क्वेश्चन रहने देते हैं, उसके बाद कल करा देंगे। और कल भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सारे क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन हम लोग पढ़े हुए हैं, सारे क्वेश्चन। बस जो आज की क्लास में आपको बोला कि कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या आपका शेड्यूल होना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। रैंडम कोई चीज़ नहीं पढ़ना है जब तक कि आप एक सीक्वेंस में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। खुद की नोट्स बनानी है, खुद के पॉइंट्स क्रिएट करने हैं, खुद से संतुष्ट रहना है कि हमें ये टॉपिक क्लियर हो चुका है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, तभी आप उसको उससे आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कशन किया है। कल फिर हम लोग दोपहर में एनसीईआरटी की सीरीज़ करेंगे, जो हम लोग अभी एनवीएस के लिए कर रहे हैं, और उसमें हम पूरा आपको बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर वाला टॉपिक कराएंगे, पूरा कराएंगे, ठीक। फिर उसके बाद एक रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक होगा एनसीईआरटी की सीरीज़ से, या कल हम लोग रिप्रोडक्शन वाला ही टॉपिक कर लेते हैं, ठीक, जिसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ आ जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो भी बचेगा उसके बाद फिर हम क्वेश्चन सीरीज में आएंगे, ओके। हाँ, बाकी ये जो हमने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन सारा इन्फॉर्मेशन हमने दे दिया है कि हम लोग इसके बारे में एनसीईआरटी बायोलॉजी सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपको 20 दिसंबर से, और इसकी फीस बहुत ही मिनिमम हमने रखी हुई है आपके उससे। और हाँ, ये बैच आपका साइंस प्लेनेट पे ही चलेगा। साइंस प्लेनेट पे आपका क्या चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रहा है, टेस्ट सीरीज भी 1250 का ही है, तो इसलिए, क्योंकि इस पूरे उसमें क्या कहते हैं एप्लीकेशन में इतने कोर्सेज हो गए हैं, इतने कोर्सेज हो गए हैं कि स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो एक सेपरेट बैच ये रहेगा जो है आपको साइंस प्लेनेट पे ही मिलेगा वो, ठीक। साइंस प्लेनेट पे टेस्ट सीरीज आपका हो रहा है और ये भी होगा। इसमें चंद्रा क्लासेस एप्लीकेशन, ये हम दोनों, हमारा ही दोनों ही एप्लीकेशन है, और इस पे बहुत सारे कोर्सेज हो जाने की वजह से बहुत काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, ठीक है। चलिए, रुचि सिंह टेस्ट, हाँ टेस्ट तो होगा ही, संडे टेस्ट होगा ही, और उसके बाद हमने बोल दिया है कि अब आपका ये जो जो कुछ छोटा मोटा चीज़ें बची हुई हैं उसको कवर कराते रहेंगे बीच बीच में, और ये चलता रहेगा आपका, सुप्रीम बैच चल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो है हम क्या ये टेस्ट सीरीज़ का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे जल्दी ही।
शुक्ला शिवांगी, हमने तो ये आपको बता दिया है कि भाई ये उन लोगों के लिए है जो केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एनवीएस की प्रिपरेशन करेंगे आगे आने वाले एनवीएस जो भी कभी भी होगा, या फिर जो लोग भी एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, कहीं किसी भी बैच के स्टूडेंट हो, कहीं के भी स्टूडेंट हो, एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो वो एनसीईआरटी सीरीज कर सकते हैं। बहुत कुछ और बहुत सिंपल वे में सीखने को मिल जाएगा आपको, प्राइस बहुत कम रखी गई। ठीक है, नहीं देखिए यहाँ पे बात अपनी तारीफ़ किया कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे कि क्या होता है ना कि बहुत से, कल ही हमें मतलब हमारे स्टूडेंट ने एक वीडियो भेजा, कुछ टीचर्स, किसी भी टीचर की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ टीचर्स खुद ही अपनी तारीफ़ और दूसरों की बुराई करते हैं। तो मेरी पता नहीं क्यों हमें ये बुरा लगता है कि वो अपने तो पढ़ा रहे हैं, परेशान है या क्या चीज़ है कि बार बार हमसे पढ़ो, हम एक्सपीरियंस्ड हैं, ये है, बाकी और कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हम लोग अपने सब्जेक्ट में मास्टर हैं, ये सब हमने देखा तो हमें लगता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। टीचर्स को कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, हर टीचर अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, जिसके जिसका जो समझ आ रहा है वो लोग उससे पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसको लग रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास इतने सारे कई हज़ार स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो वो बेवकूफ़ तो है नहीं, ना हम बेवकूफ़ बना रहे हैं, या कोई भी कहीं भी पढ़ रहा है तो वो तो बेवकूफ़ है नहीं, उस टीचर में कुछ अच्छाई दिख रही है उसको, उसको तभी पढ़ रहा है ना, उस टीचर में उसको कुछ अच्छाई दिख रही होगी तभी पढ़ रहा होगा, इतनी बुराई करने की क्या ज़रूरत है। हर टीचर अपने स्तर पर मेहनत करता है, बार बार हम पढ़ाते हैं, हम अच्छा पढ़ाते हैं, हम एक्सपीरियंस्ड हैं, हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, परेशान हो गए हैं सब लोग। तो हमें लगता है कि भाई ऐसे ग्रोथ होती है क्या, ऐसे ये तो बहुत जेलस स्वभाव है, बहुत जेलस स्वभाव है और शुरू से रहा है। नहीं, हमें कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं है, हमें किसी के कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं है, लेकिन हमें ये लगता है कि आप अच्छा पढ़ा रहे हो तो आप अच्छा पढ़ाओ, आप हम अच्छा पढ़ा रहे हैं हम अच्छा पढ़ाएंगे। हमारे पास स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना जाने कहाँ कहाँ, फॉरेन से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान से कहाँ कहाँ से लोग जो है एडमिशन करने के लिए मार कर देते हैं, ठीक है, हम लोग परेशान रहते हैं कि ना ले एडमिशन। तो अगर कोई पढ़ रहा है तो कुछ क्वालिटी दिख रही होगी उसको, या अच्छा लग रहा होगा तब पढ़ रहा होगा। बेवकूफ़ लोग होंगे तब भी हमने कह दिया आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा, तो आप अपना पैसा लेके चले जाइए। हमने उस अध्यापक को ये कहते तक सुना कि हमने जो है YouTube पे लगातार 20 क्लासेस दे रहे हैं, कोई टीचर 20 क्लास नहीं देता है, ठीक है। लोग डरते हैं कि अगर हम 20 क्लास YouTube पे देंगे तो लोग हमसे एडमिशन नहीं। हमने तो YouTube पे जितना पढ़ा देते हैं एक दिन में, ठीक है, आप उतना 10 दिन में भी नहीं पढ़ाते हो, तो क्यों टीचर की बुराई करना भाई, टीचर की बुराई क्यों करना, किसी भी अध्यापक की बुराई क्यों करना है। लेकिन वहाँ लगातार बुराई है, और फिर अगर आप इतना बेस्ट दे रहे हो तो आप तो बहुत पहले से हो, क्यों नहीं आए भाई आप YouTube पे, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन की सीरीज लेके आते थे आप लोग, आज क्यों लगे हुए हो 100 क्वेश्चन या 80-70 क्वेश्चन देने में, आज क्या जरूरत है आपको इतना जो है एक्टिव रहने की। पहले भी बहुत से स्टूडेंट रोते हुए हमारे पास आए, जब जैसी प्री हमने चलाया तो रोते हुए आए, मैम हमारा सिलेबस फिनिश नहीं हुआ, फिर हमने एक महीने में सबका सिलेबस कंप्लीट करवाया ना, एक महीने में सबका सिलेबस कंप्लीट करा। आज भी आते हैं स्टूडेंट, मैम यहाँ ऐसे है वैसे है, जो कुछ भी है। आज लगातार हम इतने सारे सेशन करा रहे हैं, कितना हम चाहते हैं कि सही वे में पढ़े। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि एक प्लांट मार्फोलॉजी एक महीने में पढ़े, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि फंजाई 40 लेक्चर में पढ़े, ठीक है। पढ़ने का तरीका होना चाहिए कि कॉम्पिटिशन है ये, एकेडमिक नहीं है, ठीक है। मेरी हर किसी से अपील है, हर अध्यापकों से अपील है कि इस तरीके से स्टूडेंट को गुमराह ना किया जाए कि यहाँ मत पढ़ो, वहाँ मत पढ़ो, ऐसे मत पढ़ो, हम पढ़ाते हैं, हम एक्सपीरियंस्ड हैं। अरे भाई, एक्सपीरियंस हो तो आप भी कभी शुरुआत किए होंगे, है ना, कि आपने डायरेक्ट जो है एक्सपीरियंस बन के पढ़ाने लग गए, और हम भी 10 साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम भी 10 साल से पढ़ा रहे हैं, 10 साल से नहीं, जब क्लास 10th में थे तब से पढ़ा रहे हैं,
क्लास टेंथ में थे तब से पढ़ा रहे हैं। जब हमने बीएससी कर जब हम बीएससी थर्ड ईयर कर रहे थे तो हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को पढ़ा रहे थे। जब हम एमएससी कर रहे थे तो उस वक्त भी हम एमएससी के स्टूडेंट और बीएससी के स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे। ठीक है भाई, फ़ी कम रखना हमारी जो है, हम शुरू से ही हम चाहते हैं कि हर कोई पढ़े, तो हम फ़ी कम रखते हैं। हमने हर जगह फ़ी कम रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि फ़ी कम करके हम गैदरिंग कर रहे हैं। हमने फ़ी कम इसलिए कर रखा है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिनकी वाकई में स्थिति ख़राब है ना, तो उनको हमें ये नहीं भाई, शिक्षा है। ऑफलाइन में आप 20,000 रख रहे थे, वो चल रहा था। ऑफलाइन में आपके पास 500 बच्चे हुआ करते थे, यहाँ 5,000 बच्चे हैं, तो फिर तो उतना ही करिए ना जहाँ तक हो सके। ठीक है चलिए, कल मिलते हैं इस क्लास में। देखिए अभी जो सुप्रीम बैच और रैंकर बैच चल रहा है उसमें हमने आपको थियरी चल रही है उसमें, और उसमें जितने भी पहले के क्वेश्चन पेपर वगैरह हुए हैं है ना, जिसने पहले के क्वेश्चन पेपर हुए हैं वो अपलोड होता है, और पहले के जितने भी डिस्कशन हुए हैं वो सब उसको हम फोल्डर बना के अपलोड करवाते हैं ताकि उसका भी प्रैक्टिस आप लोग करते रहें। जैसे ही ये सारी चीज़ें अभी ख़त्म हो जाएंगी एनवीएस वगैरह का, तो फिर वहाँ पर लाइव डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। क्यों नहीं कराया भाई आप लोगों ने? झारखंड वाले रोते रह गए, क्या झारखंड के स्टूडेंट किसी के पास नहीं रहो? किसी ने झारखंड का मॉडल पेपर नहीं कराया, किसी ने एनवीएस का मॉडल पेपर नहीं कराया, बस पढ़ाने में बैच लॉन्च करने में सब लोग लगे हुए हैं है ना। तो इस तरीके से तो भाई कुछ नहीं होने वाला ना। स्टूडेंट को आपने पढ़ाया, उनको लास्ट टाइम में उनके एग्जामिनेशन टाइम में आप गाइड नहीं करोगे कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या आ सकता है, तो फिर स्टूडेंट परेशान होगा कि नहीं? एक साल हमें इस बात की तकलीफ होती है कि वो सच में हमारे पास जो लोग आते हैं चार चार साल बताते हैं कि हमने यहाँ पढ़ा हमने वहाँ पढ़ा, ठीक है, तो ये गलत है। आप उन्हें लास्ट टाइम में गाइड नहीं करोगे, उनको नहीं बताओगे कि ये मॉडल पेपर करना या मतलब इस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, तो आपने पूरे साल पढ़ा के क्या किया? ठीक है, हम बहकावे की पढ़ाई नहीं करना चाहते क्योंकि हमारा हम खुद में संतुष्ट नहीं हो पाते। 100 क्वेश्चन कराते हैं, 80 क्वेश्चन का जितना हो सकता है, ये नहीं कि भाई 10 क्वेश्चन लेके आ गए 20 क्वेश्चन लेके आ गए। अब तो सब करा रहे हैं 100 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन, क्यों इससे पहले क्यों नहीं करा रहे थे? तो यही बात है ना, फिर क्यों भाई इतना दूसरों को इतना जेलस नहीं होना चाहिए? सब पढ़ा रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं था कि कोई ये नाम का वो नाम का। जब इतना हमारे बारे में बातें होने लगी तब पता चलने लगा कि हाँ भाई सारी चीज़ें। ठीक है चलिए, कल फिर हम लोग 3 बजे या 2 बजे एनसीईआरटी सीरीज करेंगे, और ये बैच आपका 20 दिसंबर से स्टार्ट होगा। इसमें कोई भी ज्वाइन हो सकता है, उसका बेस्ट रिवीजन बेस्ट प्रिपरेशन होगा। फ्लो चार्ट के माध्यम से सारा ही नोट बना के पढ़ाएंगे, और उसके बाद जो है जो हम लोग एनवीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एनसीईआरटी, वो कंटिन्यू रहेगा। आपके हमने बताया 3-4 दिन और आपकी क्लासेस लेंगे, फिर लगभग 300-400 क्वेश्चंस कराएंगे। अच्छा, एनवीएस के लिए भी बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे, तो एनवीएस के लिए अगर आप में से कोई भी एडमिशन लेना चाहता है तो ₹550 उसकी फ़ी रखी गई है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं हेल्पलाइन पर बात करके। आपको ये सारा जो इस वक्त प्रिपरेशन चल रहा है, 10 मॉडल पेपर है और जो कुछ भी है वो आपको मिल जाएगा। ठीक चलिए, ओके, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, पढ़िए आप लोग अच्छे से।